में जो मेन दिशाएं हैं वो चार हैं, जिसको हम लोग पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जानते हैं। इनको जब थोड़ा और फाइन ट्यून किया तो एट डायरेक्शन हो गए। इन्हीं चारों चार डायरेक्शंस को एट पार्ट्स में डिवाइड कर, तो उसमें से चार दिशाएं और निकल आई, जिसको हम पूरब उत्तर बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ, साउथ ईस्ट है ना, उसके बाद साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ, ऐसे नाम से जानते हैं चार दिशा। फिर इनके आठों जो आए, मतलब आठ जो दिशाएं आई उनके भी आठ पार्ट्स की, लेकिन अभी हम आठ सॉरी 16 डायरेक्शंस पे, 16 डायरेक्शंस पे नहीं जा रहे हैं, अभी हम एट डायरेक्शन तक ही हैं। ठीक है, आठ डायरेक्शन तक पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर हम आपको 16 डायरेक्शंस भी पढ़ाएंगे। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, धैर्य रखो, पहले मैं आपको पूरा वास्तु पढ़ाऊंगा। वास्तु में एस्ट्रोलॉजी इंप्लीमेंट कैसे होती है उसको पढ़ाऊंगा, मतलब जितनी आपको वास्तु से रिलेटेड रिक्वायर्ड एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज चाहिए वो भी मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा। तो अगर किसी को लगता है मेरे को ज्योतिष आती नहीं है, तो उसको भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, हम जितना इस कोर्स में जरूरी ज्योतिष है उतनी आपको आ जाएगी, क्योंकि ये जो कोर्स है सेंटर्ड किसके हैं, वास्तु के, तो सारी चीजें आपको वास्तु के विद रिस्पेक्ट टू पढ़ाई जाएंगी मेन। लेकिन एस्ट्रो वास्तु इसका नाम है, तो आपकी हर व्यक्ति की स्पेसिफिक कुंडली के अकॉर्डिंग उसका घर कैसा होना चाहिए, उसके घर की डायरेक्शंस कैसी होनी चाहिए, या जितनी भी चीजें घर में होती हैं लाइक किचन, स्टडी रूम, ऑफिस, डाइनिंग रूम है ना, डाइनिंग एरिया, या आपका मास्टर बेडरूम, बेडरूम, सर्वेंट क्वार्टर, जो कुछ भी आप पढ़ते हो वो आपकी कुंडली के अकॉर्डिंगली क्या होनी चाहिए वो भी आप पढ़ोगे। और फिक्सेशन जो वास्तु का कॉन्सेप्ट है कि भाई हर चीज फिक्स है, यहाँ पे ये चीज होनी चाहिए, तो वो भी आप पढ़ोगे। फिर कुंडली के अकॉर्डिंगली कैसे होती है आप वो भी पढ़ोगे। ठीक है, मैं आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में कंस्ट्रक्टेड डिपार्टमेंट भी पढ़ाऊंगा कि हमें अपना घर बनाते समय कंस्ट्रक्शंस पे क्या ध्यान देना है, पूजा के समय क्या प्रिकॉशंस रखनी है, पूजन के प्रोसेसेस क्या हैं, भूमि पूजा, नींव पूजन, इन सब चीजों के बारे में भी आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में समझने को मिलेगा। तो आप अपने क्लाइंट को बोल सकते हो भाई कोई पंडित हायर कर लो, कोई पंडित पकड़ लो, जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं वैसे कराना है। ठीक है, उसके बाद इस कोर्स में पूरा आप वास्तु तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, लेकिन एस्ट्रोलॉजी की कई ब्रांचेस के जो रिजल्ट्स निकल के आते हैं, जैसे आप पराशरी एस्ट्रोलॉजी भी इसमें पढ़ोगे, पराशरी एस्ट्रोलॉजी का अष्टक वर्ग पार्ट बहुत डिटेल में कवर होगा कि अष्टक वर्ग को हम वास्तु के विद रिस्पेक्ट टू कैसे यूज कर सकते हैं, वास्तु टूल के रूप में कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको एक समरी बता दे रहा हूं, मेरे को पिन करना अगर कुछ ऊपर नीचे रह जाए तो। ठीक है, उसके बाद एक एस्ट्रोलॉजी है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को वास्तु में कैसे लिंकेज किया जाता है वास्तु के साथ में, और उनके बेनिफिट्स कैसे लिए जाते हैं वास्तु रेमेडीज करते समय। देखो, कंस्ट्रक्शन के लिए अलग वास्तु, अलग एस्ट्रोलॉजी का यूज होगा वास्तु के कंसर्न में। ठीक है, रेमेडी के लिए अलग एस्ट्रोलॉजी का यूज होगा वास्तु कंसर्न में। ठीक है, और हर ईयर का अपना वास्तु प्लान करने के लिए, क्योंकि फिक्स चीजें तो नहीं हटा सकते, टॉयलेट हर साल कहीं और थोड़ी फिक्स कर दोगे, लेकिन जो फिक्स करने वाली चीजें हैं उनको फिक्स करने के लिए आपको लाल किताब एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ाई जाएगी, जिसमें वर्ष कुंडली बनती है। वर्ष कुंडली के अकॉर्डिंगली अपने घर को, अगर वो घर में कोई प्लेनेटरी अननेसेसरी एक्टिविटी या अननेसेसरी कोई थिंग किसी गलत डायरेक्शन में रखी है घर के, तो उसको सही कर लेना, उसको मैनेज कर लेना। इसका मैंने आपको एग्जाम्पल भी प्रीवियस क्लास में दिया था कि हम लोग जब भी दिवाली के टाइम पे अपने घर में कुछ रेनोवेट करते हैं, रेनोवेशन करते हैं, साफ सफाई करते हैं, हर साल आप देखना कुछ ना कुछ चेंज हो ही जाता है, चाहे आप टॉयलेट मतलब चाहे आप बेडरूम बेड इधर सर अपने ही बेडरूम में बेड हो सकता है, पहले इधर रखा हो अभी उधर हो गया, आलमीरा जो फिक्स वाली नहीं आती है वो बहुत थोड़ी चेंज हो जाए, घर का जो एरिया है उसमें कुछ चेंज हो जाए, को पर्दे चेंज कर दो, को कुछ वॉल पेंट चेंज कर दो, होता है कि नहीं होता है। और मैक्सिमम केसेस में अगर कोई दशा अंतर दशा पॉजिटिव आने वाली है तो पॉजिटिव के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा, अगर कोई बैड दशा अंतर दशा आने वाली है उसके अकॉर्डिंगली आपका घर चेंज होगा, चेक कर लेना चाहिए।
तो अगर पॉजिटिव आने वाली है तो उसको और कैसे बढ़ा लें, ऐसा हम वास्तु अपना घर का हर साल का प्लान कर सकते हैं। और अगर कोई बैड दशा आने वाली है तो फिर हमारे घर का वास्तु क्या होना चाहिए, उसको भी हम हर साल प्लान कर सकते हैं। ये चीज आप लाल किताब की जो वर्ष कुंडली है उससे पढ़, ठीक है। उसके बाद जो वैदिक वास्तु है वो भी आप पढ़ोगे, जो कंस्ट्रक्शन में बहुत यूज होता है, पूजन पाठ करने में जो बहुत यूज होता है ना, वो चीज भी आप इसमें पढ़ने वाले हो। उस और जितनी भी सारी चीजें हैं, वो जितने भी साइंसेस हैं, उन सब का अलग अलग कॉन्सेप्ट है। ईयरली वास्तु बनाने के लिए ही वर्ष कुंडली चाहिए, रेमेडी करने के लिए वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी चाहिए, अपने घर को मेक करने के लिए अष्टक वर कुंडली चाहिए, ठीक है। और इसमें आप केपी एस्ट्रोलॉजी से जो बेनिफिट्स और आते हैं, ऐड होते हैं, वो भी आप इसमें पढ़ने वाले हो। तो हर साइंस का जो मेन कॉन्सेप्ट है वास्तु के विद रिस्पेक्ट टू, हम जो भी उनके टूल्स को इसमें यूज कर सकते हैं वो भी आप पढ़ोगे। ओवरऑल अगर मैं कोई एक बात आपको बोलूं, इस वास्तु कोर्स से एस्ट्रोलॉजी की कई ब्रांचेस भी आप कवर कर लो। और अगर आप में कोई थोड़ा भी अच्छे समझदार हुआ तो चीजें तो हम आपको पूरी पढ़ाएंगे और उनको हम वास्तु के विद रिस्पेक्ट टू लिंकेज कर देंगे, है ना। लेकिन आप उसको एस्ट्रोलॉजी के विद रिस्पेक्ट टू भी पढ़ के उसके बहुत बेनिफिट ले आके सर। मैं हिंट आपको जरूर दूंगा, बट क्योंकि हम उसी में केवल पढ़ जाएंगे तो हमारा जो मेन कंसर्निंग टॉपिक है एस्ट्रो वास्तु वो रह जाएगा, फिर एस्ट्रोलॉजी हो जाएगी, फिर आप लोग, फिर आपका दिमाग खराब होगा कि सर ये क्या बता दिया हमने, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, एक मैंने बैच स्टार्ट किया था 3 साल पहले, उसमें लोग मेरे से पढ़ रहे हैं पराशरी ज्योतिष, पढ़ के चले गए केपी ज्योतिष। सर इसमें मजा आ रहा है ये बताइए, अब मैं चालू उसी में चालू हो गया। अच्छा पहले फ्लो क्या होता था, मैं मतलब थोड़ा सा वैसा हूं कि मतलब मेरे को जो समझ आ रहा है मैं वो पढ़ाऊंगा, तो तुम्हारे हिसाब से नहीं पढ़ाएंगे, कोर्स के हिसाब से नहीं पढ़ाएंगे, थोड़ा वैसा होता था मेरा, उसको आप लड़कपना भी कह सकते हो, मैच्योरिटी कम थी थोड़ी, अभी ज्यादा हो गई। क्योंकि पहले जो था वो इतने मैच्योर लोग पढ़ते नहीं थे जिनकी 70 ईयर्स एज है, तो आप लोगों को देख देख के मैच्योरिटी आ गई। जैसा हुए संग वैसा दिखे रंग, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि पता चला कुछ पढ़ा रहा है, कुछ पढ़ा दिया आपने, तो लेकिन अभी क्या है, जो आपका कॉन्सेप्ट है उसको हम पढ़ाएंगे, इनको हम वास्तु के टूल के रूप में कैसे एस्ट्रोलॉजी को यूज करते हैं वो पढ़ाएंगे। आज की डेट में लोग वास्तु करने के लिए कितने टूल्स का यूज करते हैं, कोई डाउजिंग करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई एनर्जी को चेक करने के लिए लेके घूमता रहता है, कहाँ पे इविल स्प्रिट है ना, वो टिंग 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 मशीन करती है, डाउजिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप डाउजिंग वाले को बुलाना, गेट के बाहर खड़ा करना, बोलना दिशा हम बता रहे हैं, तुम्हारी मशीन यही टिन्नी टिन्नी करेगी, यहाँ टिन्नी टिन्नी नहीं करेगी। इस लेवल पे मैं आपको मैच्योर कर दूंगा। एस्ट्रोलॉजर के पास उसका लैपटॉप सफिशियंट है, उसको किसी अदर टूल की जरूरत नहीं है, हमारी जो सॉफ्टवेयर हमें चाहिए, हमें जो लैपटॉप चाहिए वो सफिशियंट है, हमें किसी अन्य टूल की जरूरत नहीं है। अच्छा वास्तु में टूल की जरूरत पड़ती है तो हमारे लिए जब एस्ट्रोलॉजी जैसा टूल है जो सब कुछ प्रिडिक्ट कर सकता है, सब कुछ बता सकता है, तो क्या वो रिजल्ट नहीं देगा हमें, वो तो वास्तु नहीं बता पाएगा, वास्तु भी तो वो बता सकता है ना किसी के घर का। तो हम एस्ट्रोलॉजी को एज अ टूल यूज करेंगे, बट सारी रेमेडीज, सारे कॉन्सेप्ट्स जो घर में इंप्लीमेंट होंगे वो वास्तु के विद रिस्पेक्ट टू होंगे। जो मैं आपको रेमेडीज पढ़ाऊंगा वो महावास्तु की भी होंगी, हमारी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, सॉरी वैदिक वास्तु जो है उससे भी कनेक्टेड होगा, और जो मेरी कुछ ऑन रिसर्च है वास्तु के पैरामीटर्स को लेके, एस्ट्रो वास्तु के पैरामीटर्स को लेके, वो भी आप सबसे शेयर करूंगा, ठीक है। तो आपको इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद, जैसा मैंने कमिटमेंट किया है, कोई अन्य कोर्स करने की आवश्यकता ना के बराबर पड़ेगी। आप करना चाहो कर लो, एलोबरेट करने के लिए खुद को, कोई अच्छा लग जाए जैसे अभी हम आपको अच्छे लगे, कोई आगे आपको अच्छा लग जाए तो कर लेना, लेकिन जो मैं आपको चीजें पढ़ा रहा हूँ ये एडवांस लेवल का प्रॉपर कोर्स है, इसमें वास्तु भी पूरा कवर है और एस्ट्रो वास्तु भी कवर है। अच्छा मैंने एक मेरी लाइफ का एक फंडा रहा है, मैं आपको क्लियर करता हूँ, बहुत जगह पढ़ के कुछ नहीं आता, चार एस्ट्रोलॉजर से, चार वास्तु कंसल्टेंट से, चार से पढ़ने से कुछ नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट तो सबके सेम ही रहने हैं ना, कॉन्सेप्ट सबके सेम रहने, बेसिक कॉन्सेप्ट तो सबके सेम रहेगा, कोई अगर चार बात अलग बोल रहा है तो उन्हीं कॉन्सेप्ट से के आधार पर बोल रहा है, कोई अलग से कुछ नहीं बोल रहा है। तो अपने को मजबूत करने पर समय दीजिए,
जो और 10-15 के पास जाओगे, ऐसा करो कि 10-15 आपसे भी पढ़ने आए, आप भी उनकी जगह पे खड़े हो पाओ, खुद को रख पाओ। उसके लिए बहुत ज्यादा खुद को खंगालो, बहुत भागने की जरूरत नहीं है। फिर पूरी जिंदगी कुछ लोग ऐसे मिलेंगे केवल कोर्स कर रहे हैं, उनके हाथ और कुछ लगा नहीं है, केवल कोर्सेज ही कर रहे हैं वो। ये बैच खत्म होता है दूसरा पकड़ लेते हैं, दूसरा खत्म होता है तीसरा पकड़ लेते हैं, किसी और का पकड़ लेते हैं, किसी और का पकड़ लेते हैं। उनके पास मटेरियल खूब मिल जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन नहीं पता है। ठीक है, तो मैं आपसे इतना कह रहा हूँ, कहीं सीखा उसको इम्प्लीमेंट करिए, कहीं जाना कहीं सीखा उसको इम्प्लीमेंट करिए, धीरे धीरे ही सब होता है। ठीक है, तो 8 डायरेक्शन आप पढ़ने वाले हो, स्टार्ट करिए नॉर्थ ईस्ट, जिस जहां पे हम अपना पूजा रूम बनाते हैं वहीं से शुरू कर रहे हैं, ज्ञान का घर है वो, है ना। तो स्टार्ट करिए नॉर्थ ईस्ट से। तो अभी मैं आपको बता रहा हूं नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या चीजें देखी जाती हैं। तो नॉर्थ ईस्ट से आपका दमाद आता है, आपको दमाद कैसा मिलेगा ये नॉर्थ ईस्ट को देख करके पता लगाया जा सकता। जो मैनेजमेंट लेवल के काम हैं वो नॉर्थ ईस्ट से देखे जाते हैं। जिनका नॉर्थ ईस्ट बहुत वीक होता है, जैसे लोग कहते हैं सर मैनेज नहीं हो रहा, स्टूडेंट्स मैनेज नहीं हो रहे, या कंपनी मैनेज नहीं हो रही है, सर्वेंट्स मैनेज नहीं हो रहे, है ना। तो कहां पे प्रॉब्लम आ रही है? नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम आ रही है। किसी के शब्द सुन के दिशा पता कर लो। तो कौन सी, जितना डिटेल में जाने वाला हो ना, कोई कोर्स कर लेना, पता चल जाएगा, खुद ही पता चल जाएगा, कोई कुछ भी बोले। ठीक है, लेकिन जिस लेवल पे आप सीख रहे हो ना, बहुत भाग्यशाली हो, लिटरली बता रहे हैं आप। और शायद अभी नहीं पता चलेगा, आगे पता चले। इसलिए बहुत लोगों की बातों में भी मत आना, कोई अगर कुछ बोले अरे वहां बहुत अच्छा ये वो, तो कह देना खुद जाके चेक करना, फिर पता चलेगा क्या है। आपकी जो आर्थिक तंगी है, आपका बैंक बैलेंस कैसा होने वाला है, ये भी नॉर्थ ईस्ट डिसाइड करता है। मंदिर इसीलिए बनाते हैं नॉर्थ ईस्ट में, ईशान कोण, बहुत चीजें मैनेज्ड होती हैं। आपके घर की जो बेटी है उसकी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है, नॉर्थ ही डिसाइड करेगा। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज नॉर्थ ईस्ट, पति पत्नी में जो फाइट्स चलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स चलते हैं, वो भी नॉर्थ ईस्ट से देखे जाते हैं। अगर किसी का नॉर्थ ईस्ट बहुत वीक होगा, या कैसे होता है वो तो आगे सीखोगे ना, लेकिन अगर किसी के नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है, तो वैवाहिक जीवन में पति पत्नी एक दूसरे को अहमियत नहीं देते हैं, इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी एक दूसरे की, एक दूसरे को। अगर नॉर्थ ईस्ट, ये तो हो गया जो न्यूली कपल है, अगर कोई मतलब जिसको हम बोलते हैं प्रौढ़ एज में है, या वो न्यूली कपल जो बच्चा बॉर्न करने वाले हैं, जिनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको बड़ी वो होती है एक, मतलब कि मेरा बच्चा बड़ा हो के मेरा मान सम्मान करेगा, मेरी देखभाल करेगा कि नहीं करेगा, मुझे सुख देगा कि नहीं देगा, होती है ना। कौन एक, हर एक माता पिता, जब कोई भी माता पिता बन जाते हैं कोई भी व्यक्ति, तो उसके मन में सबसे पहले ये आता है। और बहुत लोगों के मन में आपने ये बात सुनी होगी कि मेरे बच्चा, मेरी औलाद मेरा साथ देगा कि नहीं देगा, है ना, मेरे को सुख रख देगा कि नहीं देगा। ये भी नॉर्थ ईस्ट डिसाइड करेगा। अगर नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम होगी तो माता पिता को बच्चे सुख नहीं देते हैं, तो संस्कारी औलादें यहां से देखी जाती हैं। आपके बच्चों में कितना संस्कार है, ये नॉर्थ ईस्ट डिसाइड करता है। अगर नॉर्थ ईस्ट किसी का प्रॉब्लम में होता है, दादा दादी का सुख भी नहीं मिलता, पढ़ाई पूरी नहीं हो सकती। अभी मैं ना तो कोई प्लेनेट से इसको कनेक्ट कर रहा हूं, ना तो किसी राशि से कनेक्ट कर रहा हूं, अभी केवल नॉर्थ ईस्ट पढ़ा रहा हूं। और समझ लो नॉर्थ क्या है, उत्तर है, उत्तर का संबंध बुध से है, ठीक है, पूरब का संबंध सूर्य से है, नॉर्थ ईस्ट का संबंध बृहस्पति से है, पता है आपको, केतु से भी है। प्रॉस्पेरिटी यहां से मिलती है, और प्रॉस्पेरिटी मिलती नहीं है, प्रॉस्पेरिटी के काबिल आप बनते हो। ठीक है, तो जिनमें
जिनकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी नहीं हो पाती, एजुकेशन में अगर प्रॉब्लम आ रही है, एजुकेशन पूरी नहीं हो पाई है, प्रॉब्लम आना अलग विषय, पूरी ना होना अलग विषय, उनका भी नॉर्थ ईस्ट वीक होगा। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मैं डिजर्व तो बहुत कुछ करता हूं बट उसका रिजल्ट नहीं मिलता, मतलब वो डिजर्व बहुत कुछ कर रहा है, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो कहीं और भी हो, मतलब जो आप डिजर्व करते हो उसका रिस्पॉन्ड आपको नहीं मिलता। ये कौन डिसाइड कर रहा है? नॉर्थ ईस्ट। दूसरों के लिए आपका नजरिया क्या है, दूसरों के लिए आपकी सोच क्या है, ये कौन डिसाइड करता है? नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, किसी को सेक्स इश्यूज आ रहे हैं तो वो भी नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टेड होगा। आपको मैं एक बहुत नॉर्थ ईस्ट को चेक करने के लिए एक बहुत सटीक प्रश्न पूछना किसी से जिसके लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी जितनी चीजें मैंने आपको बताई। अच्छा एक बात पता है, एक डायरेक्शन अगर प्रॉब्लम में गई इतनी सारी चीजों में प्रॉब्लम आएगी, आप वेरीफाई करके देख लो, आगे पता भी चल जाएगा कौन सी डायरेक्शन अच्छी है कौन सी खराब है, बट आप एक बार वेरीफाई कर लेना, जितनी बातें बोली हैं सब जगह प्रॉब्लम आएगी। प्रिडिक्शंस करना चालू कर देना, चट 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 तुरंत कोई जरूरत नहीं है कुछ और चीज की, रट डालो इसको। ठीक है, जिसका नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम होगी तो ये प्रॉब्लम वो फेस कर रहा होगा, बट उससे एक चीज केवल पूछ लो, उसकी सूंघने की शक्ति नहीं रहेगी, स्मेल्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको स्मेल नहीं आती किसी चीज की, ना बैड स्मेल समझ में आती है ना गुड स्मेल समझ में आती, होते हैं ना कुछ लोग ऐसे जिनको स्मेल इश्यूज हो, जिनको स्मेल इश्यूज हो, स्मेल क्लियर ना हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना घर में आपके कि वो सूंघ नहीं पाते कोई चीज, दूसरों को सूंघने के लिए देते हैं, भैया एक बार सूंघो खराब तो नहीं हो गया देखा आपने? कुछ ऐसे लोग फैमिली में होते हैं कि भाई जरा ये चेक करो, आप बस वो उसने ये बात बोली आप समझ जाओ नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है, इतनी चीजें बता दो उसको, इतनी चीजें बता दो कि भाई माता पिता को सुख नहीं मिलेगा तुम्हारे, हाँ सर सही कह लो, औलादे संस्कारी नहीं रहेंगी या संस्कारी रहेंगी, प्रॉब्लम किस हिसाब से रहेगी वो आप चेक कर सकते हो। संस्कारी हो सकता है हो सुख ना मिल पाए, बात आप समझ गए? तो ये कॉन्सेप्ट आप डाल सकते हो इसमें। ठीक है, प्रतिभा के अनुसार काम नहीं मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा? जिस जो नेटिव है, ये नहीं कि बच्चों को प्रतिभा के अनुसार काम, बच्चे तो संस्कारी होंगे लेकिन हो सकता है सपोर्ट ना करें, कोई कोइंसिडेंस हो जाए, पता चला जब बच्चे करने के काबिल हुए आप ही ना रहो। कुछ ऐसी फैमिलीज आपने देखी होंगी कि जब तक संघर्ष था, जब तक कष्ट था, जब तक मुसीबत थी, जब तक परेशानी थी तो सब साथ थे, जैसे कुछ अच्छे दिन आना चालू हुए तो कोई पेरेंट्स एक्सपायर हो गए, माता खत्म हो गई, पिता खत्म हो गए, जब अच्छे दिन आए कोई खत्म हो गया, इसका मतलब कि औलाद का सुख नहीं था, बच्चा कमाएगा उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ये नॉर्थ ईस्ट, यहां से अगर ये किसी का वीक होगा तो इतनी चीजों में प्रॉब्लम आएगी, और जो व्यक्ति खुद फेस करेगा सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो सेल्फ रिस्पेक्ट में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये जुपिटर ऑन करता है इसको, और जुपिटर के पास ही सेल्फ रिस्पेक्ट है और किसी के पास नहीं। जो व्यक्ति अपने सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, जिसके पास अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज नहीं है, इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट वीक है। नॉर्थ ईस्ट वीक है, इतने क्वेश्चंस कर लो, सारे क्वेश्चंस में हाँ करेगा। आप कहते हो ना सर हमारा इंप्रेशन कैसे पड़े क्लाइंट पर, क्लाइंट पर इंप्रेशन कैसे पड़े? ऐसे पड़ता है इंप्रेशन, क्लाइंट पर इंप्रेशन बनाने का टूल बता रहा हूं आपको, और सब प्रैक्टिकल है। मैं आपको लिटरली बताऊं, आज तक मैंने वो नहीं पढ़ाया किसी को, भले वो बहुत मतलब की चीज रही हो, भले वो बहुत जरूरी रही हो, जिसको मैंने खुद इंप्लीमेंट नहीं किया, जिनको मैंने खुद चेक नहीं किया, क्योंकि मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं किसी चीज की, कि अगर कोई चीज मैं मेरे को रिजल्ट देती नहीं दिख रही है तो मेरे पर इतने विश्वास करने वाले लोगों को मैं चीज डिलीवर कैसे करूं? बात समझ आ रही है आपको? डिलीवर कैसे करूं?
इतनी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी अगर केवल नॉर्थ ईस्ट प्रॉब्लम में है तो। चेक करो इनमें से कोई प्रॉब्लम आप खुद देख रहे हो, आप चेक कर लो कहां प्रॉब्लम आ रही है। इसके बाद ईस्ट डायरेक्शन, पूर्व दिशा। मैं आपको फिर से एक बात बोल रहा हूं, ये जो आपका सेशन है वास्तु का, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। पूरी एक एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो आपके लिए। और आपको सच बताऊं, 2 साल से मैंने कोई वास्तु का सेशन लिया नहीं। 2 ईयर्स अप्रॉक्स हो गए, 2 साल। और वास्तु विजिट मैंने बहुत करी बट सेशन नहीं लिया। ठीक है, पूर्व दिशा, ईस्ट आप उसको बोलते हो। ईस्ट क्या बताती है? सूर्य इसका डिपार्टमेंट, सन इसके डिपार्टमेंट में आते हैं। टाइम पंक्चुअलिटी, इसके पास भी मैनेजमेंट है बट किस लेवल का मैनेजमेंट है? सुपीरियरिटी लेवल का मैनेजमेंट है, टॉप लेवल का जो मैनेजमेंट होता है ये इनके हाथ में। नेतृत्व क्षमता जिसको बोलते हैं, लीडरशिप। ठीक है, ऐसे लोग इंस्पिरेशन बनते हैं, जिसका ईस्ट डायरेक्शन मजबूत होता रहा, इंस्पिरेशन बनते हैं। आपके पिता का जो घर है वो भी ईस्ट है, फादर की प्रॉपर्टी, क्योंकि सन इससे कनेक्टेड है। इसलिए पिता का घर कैसा होगा, पिता ने अपने घर में संपत्ति बनाई कि नहीं बनाई, पिता ने अपना घर बनाया कि नहीं बनाया, ये आप ईस्ट से देखो। ईस्ट डायरेक्शन बहुत हाई क्लास लोगों से रिलेशंस बिल्ड करवाता है आप, हाई क्लास लोगों से। जितने भी तरह के गवर्नमेंटेड या नॉन गवर्नमेंटेड रिलेशंस हैं, किसी भी तरह के रिलेशंस, वो सारा ईस्ट डायरेक्शन से देखा जाता है। जिसको अपनी ईस्ट डायरेक्शन अच्छी करनी हो, मतलब ये सब चीजें अच्छी करना हो, या जो लोग बहुत ईमानदार हैं, सच्चाई के साथ रहते हैं, उनके घर का ईस्ट डायरेक्शन जाके देख लेना। चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, देखो देखा कैसे जाता है, वो आगे का कॉन्सेप्ट है। अभी एट्रीब्यूट्स तो सीख लो, वो तो हम बता देंगे, चुटकियों का गेम है वो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। डायरेक्शन कौन सी प्रॉब्लमेटिक है, वो चुटकियों का गेम है। वही तो सीखने के लिए सारी चीजें हैं। यही नहीं पता होगा तो पता ही नहीं कर पाओगे कौन से डायरेक्शन से इसकी प्रॉब्लम रिलेट कर रही है, इसकी प्रॉब्लम जो है वो किस डायरेक्शन से रिलेट कर रही है, ये तो पहले जानना जरूरी है ना। प्रॉब्लम तो बाद में फाइंड कर ले रहे, तो पहले हम प्रॉब्लम को रिलेट करवाते हैं, फिर प्रॉब्लम, फिर डायरेक्शन फाइंड करते हैं, फिर उस डायरेक्शन से प्रॉब्लम का कॉज भी पता चल जाता है, और जब कॉज पता चलता है तो रेमेडी पता चल जाती है। तो सारा काम जाके वहीं होता है, यहां से बुद्धि चलाने से नहीं होता है, पहुंचना पड़ता है, फिजिकली देखना पड़ता है, तब चीजें कनेक्टेड हो पाती। और वास्तु कभी भी वास्तु करना तो हाउस प्लान देख के वास्तु मत करना कि तुम्हारा हाउस प्लान क्या है। हाउस प्लान तो वो दे देगा, पेंट कौन सा है, पर्दा कौन सा लगा है, आर्टिकल क्या रखा है, चीजें कहाँ पे क्या रखी हैं, वो थोड़ी एक एक नोट करके दे पाएगा आपको। और इतनी बड़ी दीवार में 3 एंगल बन जाते हैं, इसी में साउथ बना है, साउथ ईस्ट भी बना है, साउथ साउथ ईस्ट भी बना है, कैसे डिफाइन करोगे कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे होगा? तो घर का नक्शा तो मंगा सकते हो चेक करने के लिए, लेकिन घर का नक्शा ही सब कुछ नहीं है। आप पता चला राहु इस डायरेक्शन में, लैटरिन टॉयलेट नहीं होनी चाहिए किसी के घर में, लेकिन एंटी डायरेक्शन में इन्वर्टर रखा है, तो हो गई प्रॉब्लम। टॉयलेट ना होना ये एक फिक्स रेमेडी है, बट इन्वर्टर वहां पहुंच जाना ये टेम्परेरी प्रॉब्लम है आपकी, जब तक वो रिजॉल्व नहीं कराओगे प्रॉब्लम नहीं जाएगी घर से। ठीक है, आगे की बात करते हैं, आगे लिखिए। तो जो व्यक्ति के अंदर ईमानदारी आप देखते हो, जो वो जितना लॉयल होता है, जितना ऑनेस्ट होता है, सॉरी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट जो है, आप जितने ऑनेस्ट होते जाते हो उतना आपका ईस्ट डायरेक्शन अच्छा होता जाता है। और जितना ईस्ट डायरेक्शन आपका अच्छा होता है, ईस्ट चीजें जितनी, ईस्ट डायरेक्शन जितना मजबूत होता है उतने ही आप ईमानदार भी होते, उतने ही आप ऑनेस्ट। ये घर डिसाइड करता है हर चीज। मैंने फर्स्ट क्लास में बोली थी, जब आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास थी, आपके घर में क्या चीज रखी है,
वो आप कहीं भी जाओगे वो प्रॉब्लम आपको मिलेगी। तो इसलिए सबसे पहले आदमी कहते हैं पहले अपना घर सही कर लो तब हमें ज्ञान देने आना। पहले अपना घर सही कर लीजिए फिर आप हमें ज्ञान दीजिएगा, है ना। तो जो आपका कॉन्फिडेंस है, क्योंकि सन कॉन्फिडेंस को भी रिप्रेजेंटेट करता है, तो आत्मविश्वास भी ईज से दिखते हैं। कुछ लोग अपने लाइफ में सक्रिय बने रहते हैं, कंसिस्टेंसी बहुत रहती है उनमें, सक्रियता रहती है। सक्रियता मतलब क्या है, अपनी चीजों को लेके कंटिन्यू लगे हैं। समझ आ रही है ना मेरी बात। तो निष्क्रिय कौन हो जाते हैं, जिनका ईज डायरेक्शन खराब हो जाएगा, और सक्रिय कौन बना रहेगा, जिसका ईज डायरेक्शन अच्छा होगा। कुछ पीडीएफ भेजी है, मिली है ना आपको, कुछ फोटोज भेजी थी आप, वो संभाल के रखना। एक दो लोग कुछ बोल रहे थे कि कुछ समझ में नहीं आया, तो हम उसका पीडीएफ बना के भेज देंगे, ठीक है, जहां पे थोड़ी प्रॉब्लम आई थी आगे भेज देंगे, परेशान ना होना। तो निष्क्रियता कैसे आती है, जब ईज डायरेक्शन खराब होगी। जिसका ईज डायरेक्शन सही होगा वो सक्रिय बना रहेगा, ठीक है। उसके आगे लिखिए कुछ कमिटमेंट कर दिया, उसको फुलफिल कराने का काम भी ईज डायरेक्शन। जिसका ईज डायरेक्शन अच्छा होगा वो व्यक्ति अंतर्ज्ञानी होगा, इनसाइट्स आएंगे उसको। सोच अच्छी सोच को रिप्रेजेंटेट करता है, थॉट को, थॉट का जोन है। ईगो को रिप्रेजेंटेट करता है, क्योंकि सन के पास ईगो भी है, इसलिए ईगो का भी हाउस है, और सन आंखों से भी कनेक्टेड है, आंख की रोशनी, तो वो भी ईज डायरेक्शन। कि जिसकी आई साइड वीक देखना, मतलब ईज डायरेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती। क्लियर। सन के और क्या एट्रीब्यूट्स हैं, आपकी जो हड्डियां हैं बोन्स, वो भी यही है। डायबिटीज अगर किसी को होगी तो आप देखोगे ईज डायरेक्शन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम को देखने का भी एक तरीका बहुत तगड़ा दे दिया आपको, एक पीडीएफ मैंने आपको दिया है जिसमें कलर और डिजाइन दोनों मेंशन है, एंटी और मतलब एक पीडीएफ आपको मिला है, उसमें 8 डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली कुछ कलर्स मेंशन हैं, कुछ आर्टिकल मेंशन हैं, कुछ चीजें मेंशन हैं, और कुछ डिजाइन्स मेंशन हैं, ठीक है। उसको चेक कर लो ईस्ट डायरेक्शन में क्या नहीं होना चाहिए, अगर वो है मतलब ईस्ट डायरेक्शन खराब है, जो होना चाहिए वो है, इसका मतलब ईस्ट डायरेक्शन सही है, ठीक है। अभी इतना बहुत है, आगे लिखिए। तो डायबिटीज जो है वो इस डायरेक्शन से देखी जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको गर्मी बहुत कम लगती है, गर्मी नहीं लगती, तो गर्मी ना लगना ये भी सीधे इंडिकेट करता है इस डायरेक्शन। गुस्सा यहीं से देखा जाता है। मानसिक परेशानी, स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, इस डायरेक्शन। आपके ससुराल में आपको सम्मान या इज्जत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ईस्ट डायरेक्शन रिप्रेजेंटेड, ईस्ट डायरेक्शन इंडिकेट करता है। रिश्तेदारी में इज्जत मिलना, अपने लोगों में रिस्पेक्ट मिलना, इज्जत मिलना, एकाएक तरक्की हो जाना, आपसे आपके जो सीनियर्स हैं वो खुश रहें, ठीक है, बोन में कोई प्रॉब्लम ना होना, गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम ना होना, कोई आपकी आलोचना ना करे या कर रहा है, वो भी इस डायरेक्शन से कनेक्टेड है। सोसाइटी कैसी मिलेगी, लीडरशिप कैसी रहेगी। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि आप उनके साथ कितना बुरा कर दो, लेकिन आपकी अगर आपको प्रॉब्लम देंगे, आपको कठिनाई में देखेंगे, आपको दिक्कत में देखेंगे, तो आपके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। बाप का भी तो यही नेचर होता है ना, पिता का भी यही नेचर होता है, वो आपसे कितना नाराज बैठा हो लेकिन एक आपको फंसी हुई प्रॉब्लम में देख लेगा, उसका मन और दिल तुरंत पसीज जाएगा। होता है कि नहीं होता है नेचर, तो
ये नेचर जो है वो भी ईस्ट डायरेक्शन का, जिसकी उत्तर पूर्व दिशा मजबूत होती है, घर में पूर्व दिशा अच्छी होती है, कोई नेगेटिव आर्टिकल नहीं होते, या ईस्ट जोन पॉजिटिव होता है, मजबूत होता है, वो लोग किसी से, लोग उनसे दुश्मनी रखें चलेगा, वो किसी से दुश्मनी नहीं रखें, बहुत सोशल सोशली रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं। अगर आप बहुत सोशली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में प्रॉब्लम है आपकी। तो दुश्मनी को भुलाकर भी सहायता करना, ये पूरब दिशा का काम है। कॉन्फिडेंस, कुछ लोग कहते हैं मेरा कॉन्फिडेंस नहीं आता, ठीक है, या मैं किसी से बात करता हूं तो हेजिटेशन होती है, बात करते हैं तो पॉइंट टू द बात नहीं कर पाते, तो फालतू की बातें करने लगे, बेमतलब की बातें करने लगे, जिसका कोई सेंस नहीं है, लोगों में मतलब लोगों को इम्प्रेस नहीं कर पा रहे हैं, मेरा इफेक्ट नहीं पड़ता, मेरा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ऐसी प्रॉब्लम बिजनेस ऑनर भी बोलेंगे आप, ये की वर्ड्स हैं। आप किसी क्लाइंट के यहाँ जाओगे तो वो ये सब बातें थोड़ी बोलेगा, क्लाइंट क्या बोलेगा, सर कस्टमर आता है तो मैं डील नहीं कर पा रहा हूँ, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, जो उसको प्रोडक्ट चाहिए वो मैं दिखा नहीं पाता हूँ, वो चला जाता है हमारे यहाँ से। अब वो कह रहा है कस्टमर आता है चला जाता है, क्यों नहीं आता, क्योंकि उसको जो टू द पॉइंट जो चीज चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, वो आप दिखा नहीं पा रहे हो ना, इसका मतलब यही हुआ, तभी वो आपकी शॉप पे नहीं आ रहा है, आप आपसे चीजें परचेज नहीं कर रहा है। लिखिए, और तो लोगों पर प्रभाव नहीं पड़ता। एलर्जी इश्यूज आ सकते हैं बॉडी में, लोग आपको अवॉइड करने लग जाएं। अच्छा, एक बहुत बड़ा इश्यू आता है, सर्वेंट्स नहीं टिक रहे हैं, या अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब ज्यादा दिन नहीं चल रही है, तो उनसे दो चार क्वेश्चंस और पूछ लेना जो थोड़े नेगेटिव हैं, अगर कर रहा होगा तो उसको बोलना चेंज करो। क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हो, लिख लो, कहीं आप नकली चीजें, कॉपी प्रोडक्ट्स मेक तो नहीं कर रहे या सेल तो नहीं कर रहे, कुछ लोग मिलावट करते हैं, अभी तो कम है, हो भी रही है, मिलावट कर देते हैं, मोरंग में मिलावट कर दी, चीनी में मिलावट कर दी, है ना, हाई क्लास की जो चीजें होती हैं बेसिकली उसी में मिलावट होती, तो मिलावट करना, मिलावटी सामान बेचना। जो लोग, ये एस्ट्रोलॉजी का नहीं है, मतलब स्पिरिचुअलिटी का सीधे कॉन्सेप्ट है, जो लोग मिक्स करके कोई चीज को सप्लाई करते हैं, मिलावट कर देते हैं, दूध में पानी मिला दें और जगह मिलावट कर दें, उनकी औलादें बहुत सुख नहीं भोग पाती और उनको तंग बहुत करती हैं, उनको सुख भले मिल जाएगा तो मैं नहीं छोड़ेंगी औलादें, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं हम जहां पे थे वहीं पे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो आगे बढ़ने की शक्ति ही इस डायरेक्शन देता है। समृद्धि ईस्ट डायरेक्शन देता है जीवन में। कुछ लोग कहते हैं मेरे फादर में नहीं बनती, भाई फादर का डिपार्टमेंट सन के पास है, सन की कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम है। ईस्ट डायरेक्शन अगर प्रॉब्लमेटिक होगी तो मैरिज में डिले होगा। आप कहोगे सर पूरब दिशा का तो शादी से कोई संबंध ही नहीं है, ना तो सूर्य से कनेक्टेड है ना तो किसी और से कनेक्टेड है, बट ये है कंफर्म है, क्योंकि वंश वृद्धि तो विवाह के बाद ही होगी, तो डिले होगा विवाह में, या कुछ लोग आपको बोलेंगे सर लोग देखने तो आते हैं बट रिस्पॉन्ड नहीं देते, इस डायरेक्शन शादी में डिले होगा, जब आप उसकी प्रॉब्लम को कॉज करोगे क्या होगा, प्राथमिकता नहीं दे रहा है, हमें ऑप्शन में रखे, तो ऑप्शन में रखने का जो डिपार्टमेंट है वो ईस्ट डायरेक्शन। एक लड़का मेरे पास आ गया, बोला सर मेरी, मतलब मैं वैसे तो हंसी मजाक में आपसे बोल रहा हूँ बट बहुत मेजर प्रॉब्लम थी उसकी, बोले मेरी गर्लफ्रेंड जो है मेरे को इंटेंशन नहीं दे रही, मेरा ध्यान नहीं दे रही है, तो मैंने उसको दो तीन चीजें बोली, मैंने घर में तुम्हारे ये प्रॉब्लम होगी, भाई क्लाइंट है तो उसको तो बात करनी पड़ती है ना, हर तरह से फीस दिया है उसने, तो उसने बोला हाँ सर ये तो है, मैंने कहा ये हटाओ तो शायद इंटेंशन मिल जाए, अच्छा इंटेंशन रखो भाई,
दिमाग में अपने खराबी मत रखना, ये सब चीजों का और ध्यान रखना, ठीक है। गुड इंटेंशन के साथ करो, समझ आए तो विवाह कर लेना, ना समझ में आए तो छोड़ देना, दूसरी बना लेना। इंटेंशन तो यही होना चाहिए, ठीक है। लॉन्ग लास्टिंग इंटेंशंस होनी चाहिए किसी भी चीज को लेकर, किसी भी एस्पेक्ट्स को लेकर। साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट डायरेक्शन किसकी? मार्स, मंगल। जो आपका जमा स्टॉक होता है वो साउथ ईस्ट है। ठीक है, आजकल एक बहुत बड़ी बीमारी चल रही है, और कॉमन डिसीज तो नहीं कह सकते, बट बड़ी प्रॉब्लम कि प्रोडक्टिविटी जो आपकी होती है, किसी भी मेल की जो प्रोडक्टिविटी होती है, समझ गया ना मेरा कहने का आशय, उसमें कुछ प्रॉब्लम चल रही है। उसके लिए फिर अलग अलग तरह के डॉक्टर से कंसर्न होता है, वो प्रॉब्लम भी साउथ ईस्ट डायरेक्शन खराब होने से। आपकी प्रोडक्टिविटी जो है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं, अगर साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है तो यहां दिक्कत आएगी। अगर कोई फीमेल है और साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है, साउथ ईस्ट अच्छा नहीं है आपके घर का, तो फीमेल को प्रोजनी में प्रॉब्लम है। अच्छा है तो ये चीजें अच्छी होंगी, खराब है तो ये चीजें खराब होंगी। जो आपकी लग्जरी एंड गुड्स हैं वो भी यहीं से देखे जाते हैं। आपको एक बात तो पता है, सेक्सुअलिटी का कॉज ही मार्स है, सीधी जो बात है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। सुख सुविधाएं, जो लग्जरी गुड्स हैं वो भी यहीं से। प्रेम संबंध, अट्रैक्टिव थिंग्स, जितनी भी तरह की अट्रैक्टिव चीजें होती हैं वो सारी चीजें साउथ ईस्ट से देखी जाती। पत्नी, अगर साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम आएगी, सिक्योरिटी का इश्यू बना रहेगा। चोरी चमारी उन्हीं घरों में ज्यादा होती है जिनका साउथ ईस्ट प्रॉब्लम में होता है। सेक्स, लव, आपका करेक्टर आपके घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन डिसाइड करती है। वो चीख चीख के बोलती है कि आपका कैरेक्टर कैसा है। किसी व्यक्ति को ऑब्जर्व करने के लिए, जिनको अच्छे से वास्तु करना आता है, उसको व्यक्ति को ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं है, घर में एक बार घुस जाने की जरूरत है। आगे लिखिए, कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे लव अफेयर्स हुए जिसकी वजह से समाज में बदनामी हो गई, जेल जाने तक की नौबत आ गई, या गलत गलत तरह के आरोप एक दूसरे पे लग गए। तो प्रेम संबंध में बदनामी कब आएगी? जब साउथ ईस्ट डायरेक्शन प्रॉब्लम है। कैश इक्विटी जो है आपकी वो भी साउथ ईस्ट है। आपके घर की जितनी फीमेल्स हैं वो भी साउथ ईस्ट है। अफेयर्स जो भी किसी भी तरह के होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट जितने भी होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट वो भी सारे लड़ाई झगड़े साउथ ईस्ट से देखे जाते हैं। मार्स है ना, उससे कनेक्टेड। सुंदरता मंगल से देखी जाएगी, मतलब साउथ ईस्ट से। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, मतलब लोग क्वेश्चन करते मिलते हैं कि आप में बहुत अच्छी ड्रेसिंग सेंस नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना, ड्रेसिंग सेंस नहीं होती उनको, कब कहाँ कैसे पहनना है। तो जिसको ड्रेसिंग सेंस सही नहीं है, जिसकी जिसको ड्रेसिंग सेंस कैसी कहाँ होनी चाहिए वो पता नहीं है, इसका मतलब साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम। या ड्रेसिंग सेंस अच्छी ना रखने से साउथ ईस्ट इफेक्टेड दिखता है। साउथ ईस्ट इफेक्टेड है तो वैसी चीजें आपके करेक्टरिस्टिक्स में दिखेंगी, ये बात ध्यान रखना। इसीलिए जो व्यक्ति अपने को बदलना, देखो कोई भी चीज आपके घर में हो रही है उसका इफेक्ट आप पे हो रहा है, आपके रिलेटिव्स में हो रहे हैं, आपके रिलेशंस में हो रहे हैं। बीएनएन क्या कहता है? बीएनएन कहता है खुद को सही करो। रघुनंदन आर्य क्या कहती? खुद को सही करो। जब आप खुद को देख करना सही करने लग जाओगे तो आपकी डायरेक्शन भी तो सही होना चालू हो जाएगी ना, और आपने अगर डायरेक्शन सही कर ली तो आप खुद सही होना चालू हो जाओगे।
वैसा वर्षाएं चीजें। आपने अगर ग्रह सही किया तो उस ग्रह से जुड़ी हुई सारी चीजें सही होने चालू हो जाएंगी। अगर उस ग्रह से जुड़ी हुई चीजों को आपने सही करना चालू कर दिया तो आपका ग्रह सही हो जाएगा। वैसा वर्षा हमें व्यक्ति की, जो हमारे पास क्लाइंट आता है, क्लाइंट की टेंडेंसी को पकड़ना होता है कि वो कहाँ पे कंफर्टेबल है ज्यादा। कुछ लोगों को जेमस्टोन अच्छे नहीं लगते कि हमें बहुत उंगलियां मेरी भरी हों, अब एस्ट्रोलॉजर लाद रहा है उनके ऊपर, नहीं तुम नग पहनो। कुछ लोग कहते हैं मेरे को पूजा पाठ बहुत अच्छा नहीं लगता, अदर सनातन और हिंदू मैथोलॉजी को अगर बिलीव करने वाला नहीं है, वो किसी और धर्म का है तो उसको हमारे धर्म में इंटरेस्ट नहीं है, पूजा पाठ में नवग्रह पूजा में इंटरेस्ट नहीं है। तो क्लाइंट जबरदस्ती करते हैं, भाई तुम करो, मतलब क्लाइंट से जबरदस्ती कंसल्टेंट करता है। आपको आपके क्लाइंट की, अगर आपको अच्छा कंसल्टेंट बनना है, आपको अपने क्लाइंट की मेंटेलिटी सबसे पहले समझनी होती है कि ये किस तरफ जाने में इसके चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो लड़ाई झगड़ा होगी, कपड़े पहनना, ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं होगा। जिसका साउथ ईस्ट अच्छा होगा वो व्यक्ति हमेशा बना ठना रहेगा, घर में भी को कोट पैंट पहन के रखे। अच्छा, एक बात मेरे को भूलना और बहुत मतलब की बात होगी आपकी, और आपको एकदम से अभी एक चीज समझ में आएगी, जितने मार्केटिंग वाले लोग हैं उनकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी रहती है कि नहीं? जो लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, तो मार्केटिंग का ठेका मंगल के पास ही तो है। उनके जूते कैसे होंगे, सेविंग्स कैसी होंगी, हेयर्स कैसे होंगे, कपड़ा क्या पहनेंगे, उसका कलर कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है कि नहीं? आप कोई भी मार्केटिंग वाला लड़का या बंदा देख लो जो सक्सेसफुल है, अच्छे लेवल पे चल रहा है, MLM हो चाहे जैसा भी मार्केटिंग कर रहा है, आप उसकी बस ड्रेसिंग सेंस देख के जान सकते हो कि अपने फील्ड में कैसा काम करता है। आपकी ड्रेसिंग सेंस आपकी साउथ ईस्ट को भी रिप्रेजेंटेट करती है, आपकी ड्रेसिंग सेंस से भी पता चल जाता है कि आपके अंदर मार्केटिंग स्किल्स कितनी है। ड्रेसिंग सेंस से केवल पता चल रहा है, मार्केटिंग स्किल्स कैसी होंगी। इसीलिए जो अच्छे मार्केटिंग वाले लोग हैं, आप देखो टॉप नॉच जो लोग हैं उनकी ड्रेसिंग सेंस देख के पता चल जाता है किस हिसाब से कोट पहन रहा है, पैंट पहने है, टाई लगाए है, शूज पहने हैं, शूज में भी किसके साथ कौन सा मैच कर रहा है, कलर कॉन्टेक्स्ट क्या है, होता है कि नहीं होता है? तो ऐसे लोगों की, और जो बहुत अच्छे अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, बोल्ड दिख रहे हैं, उनके पास क्लाइंट भी आता है, क्लाइंट आएगा तो पैसा भी आएगा, नहीं आएगा? अच्छा, इतनी गुड लुक दिखा रहा है, इतना बढ़िया सब मेंटेन किया है, कपड़ा लत्ता हर चीज, इसका मतलब पैसा है तभी तो। आपके पास पैसा नहीं होगा कपड़ा खरीद लोगे क्या अच्छे से? और समाज में जो लोग अपने को धनवान दिखाना चाहते हैं यहीं पे तो कंसंट्रेशन करते हैं ना, कि अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे, अच्छी तरह से दिखेंगे तो लोग हमें अच्छा समझेंगे, होता है कि नहीं होता है? पैसे वाला समझेंगे। तो पैसा वाला जो दिख रहा है, जिसके पास है, वो भले चाहे जैसे घूमे, लेकिन जो पैसा वाला दिख रहा है वो अपनी ड्रेसिंग सेंस पे देखो कितना ध्यान देता है, कितना पैसा खर्च करता है। ऐसे चीजों को आपको समझना है। अगर साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है तो आपकी घर की जो फीमेल्स हैं, घर की जो फीमेल्स हैं, किसी के घर में चले जाना, उसकी पत्नी को देख लेना, अपने आप पता चल जाएगा साउथ ईस्ट कैसा है। जिनके घर की पत्नियां श्रृंगार इत्यादि करके नहीं रहती, श्रृंगार इत्यादि करने का मतलब क्या है कि आप देखो, अब कभी गुजराती के घर में जाओ, मारवाड़ी के घर में जाओ, जिसके पास बहुत पैसा है, उनकी वाइफ्स को देखना कैसे रहे, उनकी पत्नियों को देखना। अगर वो साड़ी भी पहने हैं तो प्रेस्ड होगी, नीट एंड क्लीन होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि 10,000 1 लाख की साड़ी पहन के बैठा है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा, मतलब उसकी वाइफ को देख लेना जो चीज जहां पे चाहिए। एक तो ओवर फैशन होता है कि आप कुछ हो, 1500 रुपए का फाउंडेशन मुंह पे चुपड़ लिया, दिखने कुछ और लगे, वो एक अलग विषय हो गया। मतलब जो चीज बॉडी टोन के हिसाब से मैच करने वाली होनी चाहिए वो वैसे एकदम कंप्लीट फिटेड दिखेगी, बस वाइफ को उसकी देख, उसकी वाइफ देखने मत लग जाना। सॉरी टू से पंडित जी, घर से निकलो बाहर गो। बट उनको एक नजर में देख के पता चल जाएगा आपके उनके घर का साउथ ई सेक्शन क्या, वो अपने आप चीख के बोलेगा, उसकी पत्नी को देख के पता चल जाएगा, उसकी पत्नी के ड्रेसिंग सेंस देख के पता चल जाएगा। एक हमारे पास पंडित जी, हमारे बहुत
सीनियर पंडित जी हैं, कोई भी पूजा पाठ होता है तो हम प्योरिटी में उन्हीं को रखते हैं, अगर वो खाली नहीं होते तो हम किसी और को फिर बुलाते हैं। तो वो मेरे से एक बार कह रहे थे कि हमारी जो पत्नी है उनको ना तो पहनने का शौक है ना तो घूमने। मैंने एक बार ऐसे बोल दिया, मैंने कहा भैया दो टिकट हमने आपके लिए करवा दिए मूवी के, कोई अच्छी पिक्चर आई थी तो मैंने कहा ये दो टिकट है, मैं चाहता हूँ आप और भाभी जी दोनों लोग पिक्चर देखे हैं। तो कहते मेरी पत्नी नहीं जाएगी। मैंने कहा क्यों? कह रहे उसको सर, उसको भाई साहब होश ही नहीं रहता किसी चीज को, उसको कोई और चीज मजा ही नहीं आता, ना तो पहनने की उसको शौक है, ना तो कहीं घूमने फिरने का शौक है, ना तो कोई रेस्टोरेंट में जाने का शौक है। हमारे पंडित जी को बड़ा शौक है, कहते हम अपनी पत्नी से बोलते तो तैयार नहीं होती। तो हमें और कोई ऑप्शन निकालना पड़ता है। तो मैं उससे थोड़ा मजाक भी कर रहा था उस समय, लेकिन इससे क्या पता चलता है, साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम, साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम होगी। आपकी पत्नी को अरुचि रहेगी किन चीजों से, अट्रैक्टिव चीजों से, वो बहुत अट्रैक्टिव नहीं दिखती है, तो वहां से पता चल जाएगा। ठीक है, जिसको अपना साउथ ईस्ट सही करना है, मतलब जिसको अपना धन चाहिए, देखो धन का डिपार्टमेंट भी यही है, जिसको अपना धन सही रखना है, पैसा जिसको अच्छा चाहिए, थोड़ा बन ठन के रहो। बन ठन के मतलब बहुत पैसा मत खर्चा करो, मतलब जो चीज जहां पे होनी चाहिए वो होनी, पर टूटा फ्रेम लगा घूम रहे हो चश्मा, इतना ही नहीं, आपके पास जो चीजें दिखने वाली हैं, चाहे मोबाइल हो, चाहे पर्स हो, चाहे कपड़ा हो, वो भले आप गरीब हो तो क्या हुआ, मेंटेन तो करके रख सकते हो, धुल पोंछ तो सकते हो, अगर कहीं फटा है तो रफू करा सकते हो, ये सब चीजें होनी चाहिए। मतलब भिखारी नहीं दिखना है, जितना है उतने में अच्छे हैं, ये चीज होनी चाहिए। ठीक है, तो जो घर की फीमेल्स होंगी वो भी बन समर के नहीं रहेंगी, साउथ ईस्ट प्रॉब्लम होगा। और ब्लड प्लेजर नहीं मिलता, सेक्स में अरुचि हो जाती है, साउथ ईस्ट प्रॉब्लम में होता है, क्योंकि एनर्जी यही देता है इन सब, ब्लड प्लेजर देने का काम ही साउथ ईस्ट का है। अच्छा, एक और डिपार्टमेंट दिखेगा, ये चीज भी पूछना जब किसी का साउथ ईस्ट प्रॉब्लम में देखना, तो कुछ बातें पूछना क्लाइंट से, क्या पूछ सकते हो चेक करने के लिए, दूसरों में कमी निकालना, इससे साउथ ईस्ट प्रभावित होगा, मंगल खराब होता है, नुक्ताचीनी करने से, किसी की कमी निकालने से, पत्नी में कमी निकालने से भी साउथ ईस्ट प्रॉब्लम में जाता है, मार्स खराब होता है। ठीक है, अगर किसी का साउथ ईस्ट बहुत अच्छा है, उसका बच्चा देख लो एक बार, बच्चा कैसा है, बेटे को देखो, बेटी को देखो उसकी, अगर वो स्मार्ट है, साउथ ईस्ट अच्छा है। जिसका साउथ ईस्ट अच्छा होगा ना, उसके बच्चे स्मार्ट होंगे। अगर साउथ ईस्ट प्रॉब्लमेटिक है, उनके घर के बच्चे देख लीजिए, बच्चे देखने से पता चल जाएगा साउथ ईस्ट क्या है, अगर बच्चे डरपोक होंगे, स्मार्ट का मतलब केवल दिखने का स्मार्टनेस नहीं है, उनका आईक्यू लेवल चेक करिए, उनका कॉन्फिडेंस कैसा है, आईक्यू लेवल कैसा है, उसको आप चेक करो, साउथ ईस्ट पता चल जाए। चेक करने के लिए एक टूल नहीं है, सिंगल टूल नहीं है, चेक करने के लिए बहुत टूल्स मैं आपको दे रहा हूं, जहां चाहो वहां पे एक ट्रिगर करो, वहीं से पता कर लो क्या है। अगर किसी का साउथ ईस्ट प्रॉब्लमेटिक है, मन मुताबिक जीवन साथी नहीं मिलेगा, तो जो अभी अभी मैरिड करने का सोच रहे हैं, जिनको बहुत जल्दी शादी करनी है, जिन जो शादी के आसपास हैं, शादी के करीब करीब घूम रहे हैं, उनको अपना साउथ ईस्ट बहुत सही रखना चाहिए। ठीक है, आगे लिखिए, साउथ ईस्ट विपरीत लिंग की तरफ झुकाव देता है, अट्रैक्शन देता है, अगर मेल है तो फीमेल में, फीमेल है तो मेल में। ठीक है, आगे लिखिए, साउथ ईस्ट प्रॉब्लम होगा तो एक दूसरे से आकर्षण कम हो जाता है रिलेशनशिप में। आगे लिखिए, अगर कोई व्यक्ति बहुत संस्कारी है, होते हैं ना कुछ लोग कि मतलब अपने घर का सबसे अच्छा लड़का है, सबसे अच्छा बच्चा है, बट वो सक्सेसफुल नहीं है, संस्कारी व्यक्ति अगर सक्सेसफुल नहीं है, इसका मतलब साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम। संस्कारी होके भी, एथिकल होके भी सक्सेसफुल नहीं होगा साउथ ईस्ट अगर खराब है।
उसका इनर पोटेंशियल कैसा है, साउथ ईस्ट डिसाइड करेगा। जिसके घर का साउथ ईस्ट अच्छा है उसके बच्चे अपनी शादी से पहले सेटल हो जाते हैं। आपके घर की एक एक जोन आपके और आपकी आने वाली वंश पर किस तरह से इफेक्ट डालती है, आप समझ लीजिए। घर का वास्तु डैमेज होने से कितनी चीजें डैमेज, ये सब पता चल जाए इस कोर्स से। ये कोर्स से आप किसी का भला कर पाओ ना कर पाओ, इस बात की गारंटी नहीं है, इस बात की श्योरिटी मेरे को नहीं है। किसी का भला कर पाओ ना कर पाओ, अपना तो बहुत बड़ा भला कर लोगे, खुद बहुत चीजें पता चल जाएंगी। और इस कोर्स का कराने का आशय क्या है ना, अच्छे जो वास्तु कंसल्टेंट हैं वो 30,000 में नहीं आते। फिर से मेरी बात सुनना, अच्छे वास्तु कंसल्टेंट आपके घर की विजिट 30,000 में नहीं करेंगे, 30,000 रुपीज में नहीं करेंगे आपके घर की विजिट, अप्रोच ही नहीं कर पाओगे। वही आपके घर में 30,000 के अंडर में विजिट करेगा जिसको वास्तु नहीं आता हो या कॉन्फिडेंस नहीं होगा सही से। मेरे पास एक कोई व्यापारी आ गया तो मेरे से कहता है, सर आपकी फीस थोड़ी ज्यादा है। मैंने कहा, मैं तेरे से कोई फीस नहीं ले रहा, मैं तेरे घर वास्तु विजिट, मैं तेरे ऑफिस में या फैक्ट्री में वास्तु विजिट करने आऊंगा। मेरे आने के बाद 1 साल के अंदर जितना कमाना उसका 10% दे देना, बस फीस नहीं ले रहा आपसे। जितना कमाना मेरी डेट नोट कर लेना, मैं कितने तारीख को तुम्हारे यहाँ आया, जो रेमेडी बताई वो कितने दिन में इंप्लीमेंट हुई उस डेट को नोट कर लेना। 1 साल के बाद जो आपका टर्नओवर होगा और जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आपकी अपनी होगी, प्रॉफिटेबिलिटी प्रीवियस ईयर में लेस भी कर लेना, चलो इतना भी कह दिया हमने, हमने कहा जो प्रीवियस ईयर में प्रॉफिटेबिलिटी थी उसको लेस भी कर देना, फिर जितनी प्रॉफिटेबिलिटी होगी उसका 10% मेरे को दे देना। बोलो आए तुम्हारे घर वास्तु करने के, ये कॉन्फिडेंस होता है वास्तु कंसल्ट। आज की डेट में मैं किसी के यहाँ वास्तु विजिट करने जाता ही नहीं हूँ, बहुत रेयर केस है। तो मैं आपको एक बात कह रहा था, 30,000 आपने इस कोर्स की फीस दी है ना, तो पता नहीं कितना गुने रिजल्ट अपने घर में इंप्लीमेंट करके देख लोगे। और पूरी लाइफ आपको हेल्प करेगा ये कोर्स, पूरी लाइफ कोर्स हेल्प करेगा। कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी आप अपना खुद ही चेक कर सकते हो, ठीक है। आगे लिखिए, आगे लिखिए, साउथ ईस्ट अगर खराब है, साउथ ईस्ट में अगर प्रॉब्लम है तो बच्चे के मैरिड के बाद वो सेटल होते हैं, शादी जब हो जाएगी तब वो सेटल हो। एंजाइटी, अननेसेसरी गुस्सा, पेट की बीमारी, आपके जो बिजनेस पार्टनर्स हैं उनसे प्रॉब्लम, शरीर में कैल्शियम की कमी, एग्रेसिव ना होना, प्रमाद रहना, आलस रहना, ठीक है, ये सारी चीजें साउथ ईस्ट से देखी जाती, पूरब और दक्षिण के साथ, दक्षिण पूरब से। जिनका साउथ ईस्ट प्रॉब्लम में होगा तो उनको आप किसी भी तरह से स्पर्श करो, कुछ भी करो, उनको महसूस नहीं होगा कुछ भी। कुछ लोग आपको पता है ऐसे होते हैं, आपकी आप आपको टच कर लेते हैं या आप उनको टच कर लेते हो, कैसे, हृदय से पता चल जाता है, आप भांप लेते हो। कुछ कुछ ऐसे आपके साथ कुछ ऐसे इवेंट होंगे कि कोई कुछ भी बोले बट आपको लगेगा नहीं ये बंदा लॉयल है, क्यों, क्योंकि आपने उसको हृदय से परख लिया। होता है ना, कुछ लोग आपके हृदय को छू जाते हैं, तो वो ट्रांसपेरेंसी कैसे आती है, वो विल पावर कैसे जनरेट होती है, वो लेवल आपका कैसे बनता है, जब साउथ ईस्ट अच्छा होता है तब। जब आपके घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन अच्छी होगी आपको किसी से बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं किस आशय से आपके पास आया हूं, आपका प्रेजेंटेशन एवरीथिंग हो जाएगा।
पैसा उन्हीं के पास खिंचा हुआ आता है, पहले आदमी आकर्षित होता है फिर उसका बैंक बैलेंस आकर्षित होता है, होता है कि नहीं होता है? पहले तो देने वाला आएगा ना, देगा तो बाद में, तो पहले पैसा चला आता है, पैसा पहले नहीं आता, पहले देने वाला आता है। वो जो पर्सनालिटी बनती है लेने वाली, कि आप किसी से बोलो मेरे को इतना चाहिए, इसका मतलब क्या है? साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है। तो अब बोलोगे सर मेरे को लोग देते नहीं है, मेरे अंदर वो स्किल नहीं है, मेरे अंदर वो टैलेंट नहीं है, तो ऐसे है क्या? नहीं, प्रॉब्लम आप में नहीं है, प्रॉब्लम आपके घर की दिशा में भी हो सकती है। और हमेशा हम खुद को कोसते रहते हैं पूरी लाइफ। तो कभी भी जब आप ऑकल्टिज्म के कोई भी कोर्सेज करते हो, कुछ भी करते हो, पढ़ाई करते हो, उसके तरफ बढ़ने की कोशिश करते हो, तो आपको पता है सबसे पहले क्या बदलाव होता है? सबसे पहले आप खुद को कोसना कम कर देते हो। और मुझे लगता है ये बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। पहले ग्रहों को कोसोगे, मेरा ये ग्रह खराब है इसलिए मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आई है, तो थोड़ा डाइवर्ट हुई ना चीजें। अभी वास्तु सीखो, थोड़ा वास्तु को कोसोगे, कम हुआ कि नहीं हुआ? आपका दर्द कम होगा क्योंकि आपके पास हमदर्द के रूप में ऑकल्टिज्म है। ठीक है, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट हो गया। अब साउथ डायरेक्शन लिखिए। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो मोटिवेट करते रहते हैं लोगों को, हौसला देते रहेंगे, हिम्मत देते रहेंगे, नहीं तो कर कर लेगा। ये क्वालिटी जिसकी साउथ डायरेक्शन अच्छी होती है उसी के अंदर होती है, या उसी को हौसला देने वाले लोग मिलते हैं। तो अगर आपको कोई हौसला देने वाला व्यक्ति नहीं मिल रहा, हिम्मत देने वाला नहीं मिल रहा है, हमेशा आपको आपका पैर खींचने वाले लोग मिल रहे हैं, है ना, या आपको डीमोटिवेटेड करने वाले लोग मिल रहे हैं, इसका मतलब आपके घर की साउथ डायरेक्शन में प्रॉब्लम है, उसकी वजह से ये लाइफ में आपके प्रॉब्लम आ रही है। एक बात बोलूं आपसे, आपने दो डिसीजंस बहुत अच्छे लिए हैं, सारे तो नहीं बोलेंगे, एक बीएनएन करके और एक वास्तु करके, ये जो भी आप वास्तु कोर्स कर, बाकी कोर्सेस तो क्लाइंट्स के लिए हैं, मतलब आपकी इस जर्नी को मेंटेन करने के। ये दो कोर्स ये आपके अपने लिए, आप खुद की सेल्फ फीडिंग कर रहे हो। आपने एक सुपर हीरो का सीरीज देखा होगा, DD1 पे पहले आता था, शक्तिमान। वो अगर किसी में एनर्जी होगी तो जिसका साउथ डायरेक्शन मजबूत होगा उसी में होगी। जो सब कुछ करने की काबिलियत रखता है, जिसके लिए किसी काम के लिए हाँ नहीं है, इसका मतलब उसका साउथ डायरेक्शन अच्छा। इससे एक अर्थ और निकल के आया। क्या क्या अर्थ निकल के आया? जो लोग हर पॉसिबिलिटी में, हर पॉजिटिविटी में नेगेटिविटी ढूंढते रहते हैं, उनके घर की साउथ डायरेक्शन वीक होती। पॉसिबिलिटीज में नेगेटिविटी ढूंढ रहे हैं, पॉजिटिविटीज में नेगेटिविटी ढूंढ रहे हैं। शक्तिमान के पास क्या था? शक्तिमान सीरीज में क्या था? शक्तिमान को पढ़ लिया, साउथ डायरेक्शन पढ़ लिया, शक्तिमान समझ में आ गया, साउथ डायरेक्शन समझ आ गया। तो शक्तिमान के पास क्या था? किसी चीज के लिए ना नहीं है, किसी चीज के लिए मनाही नहीं है। ठीक है, जो लोग दृढ़ साहसी हैं, दृढ़ साहसी मतलब कि अब ये करके मानेंगे, साउथ डायरेक्शन उनका बहुत अच्छा हो जाता है, या साउथ डायरेक्शन जिनका अच्छा होगा वो दृढ़ साहसी होगी। जो आपके कुछ लोग ऐसे होंगे उनके पास प्लॉट्स बहुत हैं, प्लॉट प्रॉपर्टीज में प्लॉट बहुत है, जिसका साउथ डायरेक्शन अच्छा होगा वही प्लॉट परचेज कर पाएगा, जिसका साउथ नहीं सही है वो प्लॉट नहीं खरीद सकता। लैंडेड प्रॉपर्टी नहीं होगी उसके पास, खाली जमीन नहीं होगी। ऐसे लोग तेज भी होते हैं, छोटा भाई भी हो सकता है हो, जिनका साउथ डायरेक्शन अच्छा होगा। बिजनेस आपको अगर करना है तो सबसे पहले साउथ से ही करना। दुर्घटना, एक्सीडेंट्स, ब्लड, प्रॉपर्टी, ये भी साउथ डायरेक्शन रिप्रेजेंटेट करते। ठीक है, एक मूवी आई थी अभी, उसमें एक बहुत उसकी लाइन वायरल हुई थी, हाउ द जोश हाई सर, लाइन सुनी होगी आपने, हाउ द जोश हाई सर, साउथ डायरेक्शन।
जो व्यक्ति जोशीला दिखेगा उसका साउथ डायरेक्शन अच्छा हो, साउथ डायरेक्शन अच्छा नहीं है जोश नहीं हो, इसलिए सोल्जर्स, पुलिस डिपार्टमेंट ये सब साउथ डायरेक्शन से कनेक्टेड होते हैं। जो इनमें जॉब कर रहे हैं, सोल्जर हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, मार से रिलेटेड जो भी हिंट, मार से रिलेटेड जो भी प्रोफेशंस हैं, जो मार से रिलेटेड प्रोफेशंस में हैं वो अपना साउथ सही करके चले। ठीक है, जिनके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है मतलब साउथ सही है, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी नहीं है साउथ खराब। हम लोग क्या कहते हैं भाई ये बहुत बदमाश है, कहावत सुनी है आपने बहुत बदमाश है, तो बदमाशी भी साउथ से आती है। अब साउथ में अगर टॉयलेट आ जाएगा, साउथ में अगर इन्वर्टर आ जाएगा तो वो गुंडा ही करने का उसका मन करेगा, रंगबाजी करें, रिवॉल्वर वॉल्वर रखें, स्कॉर्पियो से चलें। ये साउथ में राहु आ जाने से ये चीजें बढ़ जाती, और ज्यादा इम्प्लीमेंट्स हो जाएंगे तो और ज्यादा फिर लफाज भी हो जाएगा वो। ठीक है, गलत संगति साउथ डायरेक्शन देता। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे गलत संगति में पढ़ रहे हैं, गलत जगह अट्रैक्टेड हैं, इसका मतलब आपके घर की साउथ सेक्शन में प्रॉब्लम है। चेक करिए कंफर्म, कोई ना कोई प्रॉब्लम निकलेगी। मैरिड लाइफ का सुख साउथ से भी कनेक्टेड है। कुछ लोग कहते हैं सर मैं जिस पर विश्वास करता हूं, जिसको अपना दोस्त मानता हूं, या दोस्त हमारे पीठ पे खंजर का वार करते हैं, साउथ डायरेक्शन मतलब दोस्त ही धोखा देगा। लड़ाई झगड़े में शामिल होना साउथ डायरेक्शन, भाई आपके छोटे भाई आपको सुख देंगे नहीं देंगे साउथ डायरेक्शन। जिसके घर का साउथ डायरेक्शन अच्छा रहेगा उसके घर के छोटे से छोटे फंक्शंस में फ्रेंड्स बहुत आएंगे, फ्रेंड्स बहुत इन्वॉल्व होंगे। जिसके फंक्शंस में फ्रेंड्स नहीं दिख रहे उसका साउथ सेक्शन चेक करो, भाई तुम्हारा मित्र आया, हाँ कौन है, ये है, एक ही आया और नहीं है क्या, अरे और सब बाहर हैं तो बहुत, लेकिन मतलब इसका मतलब क्या, मौके पे खड़ा नहीं है। साउथ डायरेक्शन बिना वजह गुस्से को रिप्रेजेंटेट करता है, बिना वजह के आपके गुस्सा आएगा नहीं आएगा ये साउथ डायरेक्शन में मौजूद चीजें डिसाइड करेंगी। तो आपको अगर बिना वजह गुस्सा आता है तो उसका एक कॉज ये नहीं है कि आपको मैनेजमेंट नहीं आता, एंगर मैनेजमेंट नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब एक और है कि आपके साउथ सेक्शन में कुछ प्रॉब्लम, इसलिए आपका एंगर जो है वो कंट्रोल्ड नहीं है। समझ आ रही बात, लड़ाई झगड़ा ये भी यही है। साउथ से भी देखो सूंघने की शक्ति बताई थी किस डायरेक्शन से देखी जाती है। एक कुछ लोग ऐसे हैं ना, कुछ लोग ऐसे हैं और उनको अपॉइंट किया गया है, एक कोई आइसक्रीम की जो बहुत बड़ी आइसक्रीम की कंपनी है उसने एक आदमी को हायर कर रखा, वो बताता है कौन सी आइसक्रीम, और लोग उसके पास बहुत फीस देते हैं अपनी आइसक्रीम टेस्ट कराने के लिए कि आप चेक करो मार्केट में चलेगी कि नहीं चलेगी, वो टेस्ट से बता देता है चलेगी कि नहीं चलेगी, केवल टेस्ट से। जिसको टेस्ट की नॉलेज है इसका मतलब साउथ डायरेक्शन, उसका टेस्ट अच्छा नहीं होगा, किसी भी चीज को लेके टेस्ट अच्छा नहीं होगा, ध्यान रखना, ध्यान रखना क्या बोला, टेस्ट केवल ये वाला टेस्ट नहीं है, टंग टेस्ट नहीं है, किसी भी चीज का टेस्ट साउथ डायरेक्शन रिप्रेजेंटेड करे। इच्छा शक्ति विल पावर साउथ, आपका नेचर कैसा है, जो एक होता है ना हिंसक नेचर, हर आदमी को मार रहे हैं, धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, ये साउथ डायरेक्शन। खतरनाक जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं ना कुछ लोग,
कौन सी डायरेक्शन? साउथ डायरेक्शन। क्लियर हो गई बात यहां तक? एट्रीब्यूट्स ही हैं बस, बाकी अभी कुछ नहीं। पहले मैं आपको वास्तु पढ़ाऊंगा, फिर एस्ट्रो वास्तु पढ़ाऊंगा, फिर आपको प्रैक्टिकल वास्तु को, ठीक है? साउथ, ये सॉरी आगे लिखिए, साउथ वेस्ट। अब साउथ वेस्ट जो है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इनके सिंगल सिंगल कोट्स भी लिखा दूंगी, ठीक है? सिंगल सिंगल कोट्स, समझने में आसानी हो जाएगी। अभी डिटेल में थोड़ा जाना है, पहली क्लास है तो हम थोड़ा आपको पहली क्लास से, कहते नहीं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, पहली क्लास से हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारा मोटिव क्या है इस कोर्स को लेके। बाकी कीवर्ड में अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, है ना? कीवर्ड भी बता देंगे आप, यूट्यूब वाला भी बता देंगे, जो यूट्यूब पे नहीं मिलेगा वो भी बता रहे हैं हम, ठीक है? साउथ वेस्ट लिखो, जिसके घर का साउथ वेस्ट अच्छा नहीं होगा उसके घर में अकाल मृत्यु ज्यादा होंगी, या जिनके घर में अकाल मृत्यु हो रही है ज्यादा उनके घर का साउथ वेस्ट चेक करें। नंबर दो का काम, नाम सुना है आपने ये? नंबर दो का काम बहुत है इनका, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि किसी को देख के कि भाई इनको बहुत तजुर्बा है। तजुर्बा कहाँ से आता है? एक्सपीरियंस कैसे आता है? साउथ वेस्ट। जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, तजुर्बा नहीं है, मतलब क्या है इसका? मतलब ये नहीं है कि मतलब वो बेवकूफ है, बेकार है, इसका मतलब ये साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है, इसलिए तजुर्बा अच्छा नहीं है। जिस पर बिलीव कर रहे हैं वो भाला लेके घूम रहा है इनके पीछे, तजुर्बा अच्छा नहीं, ठीक है? आगे लिखिए, झूठ बोलने से, ठगी करने से, ठगी करना, झूठ बोलना साउथ वेस्ट, अनएथिकल जितने भी काम है सब साउथ वेस्ट है। पता है क्या कौन से डायरेक्शन है हिंदी में अगर बोला जाए? नैरत्य कोण, राहु का डिपार्टमेंट है। अब समझ जाओ, साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन होती है राहु डिपार्टमेंट है, नैरत्य कोण, ठगी करना, हर काम में जो रुकावट आए, किसी भी काम में अगर रुकावट आ रही है, मान लो शादी होते होते रह गई, पता है ना ये कौन सा डिपार्टमेंट है? राहु ही तो है, 99% तक चीजें कंफर्म है, 1% में रह जा रहा है, राहु आ गया, मतलब साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम। अच्छा राहु का एक और नेचर है, मैं थोड़ा प्लेनेट से भी कनेक्ट कर दे रहा हूँ, क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोगों का एस्ट्रोलॉजी आती है। तो राहु वाला क्या करता है? बड़े सपने देखता है, तो बड़े सपना अगर कोई नहीं देख पा रहा है इसका मतलब साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम। हाइट्स पे लेके जाता है ना राहु, हाइट्स भी यही है, ऊंचाई, ससुराल यहां से भी देखी जाएगी, राहु से एंसेस्ट्रल से देखे जाते हैं, पता है ना बीएनएन पढ़े हो, इसलिए आपके एंसेस्ट्रल्स भी साउथ वेस्ट में है। आपको पता है साउथ वेस्ट में ही आपके पूर्वजों की फोटो लगाई जाती है, पता है ये बात? आगे लिखिए, आपके जीवन का स्तर क्या होगा साउथ वेस्ट डिसाइड करेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं काम बहुत ट्राई करते हैं बीच बीच में छोड़ के चलते हैं, या कोई काम हाथ में लिया बीच में छोड़ दिया, पूरा कंप्लीट नहीं कर पा रहे, इसका मतलब क्या है? आधा अधूरा काम कौन करता है? राहु वाला। मतलब क्या प्रॉब्लम? साउथ वेस्ट। आपका नाम ऐसे ही खराब हो रहा है। अच्छा एक काम करना, एंटी आर्टिकल मैंने आपको दिया है, चेक करने का मैं फॉर्मूला बताऊं, चेक करने का, घर में कोई भी चीज अगर आप रख रहे हो उठा रहे हो, रख रहे हो उठा रहे हो, ये वास्तु के अंतर्गत नहीं जाती जब तक कोई चीज फिक्स्ड नहीं हो जाती। मान लो किसी ने बोला कि भाई ईस्ट डायरेक्शन में स्टील नहीं आनी चाहिए या आयरन नहीं आना चाहिए, सूर्य का घर है शनि नहीं आना चाहिए, और आप पानी पी के अपनी गिलास में ही रखते हो बार बार, ये प्रॉब्लम नहीं है। मैं बताऊंगा ये सब, वास्तु टिप्स भी दूंगा आपको, ठीक है? ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम जानते हो क्या? जब तक कोई चीज 43 डेज तक कंटिन्यू रखी नहीं रहती तब तक वो वास्तु के उसमें नहीं आती। कोई भी चीज इफेक्ट कब देगी? जब वो 43 डेज कंटिन्यू रखी रहेगी। आपका मन करे चेक करने का वास्तु चीजें काम कैसे करती है, वास्तु काम कैसे करता है,
सब सही चल रहा हो, ग्रह भी देख लो, सब कुछ देख लो, ठीक है। एक काम करो, साउथ वेस्ट में जो एंटिड थिंग्स हैं जो नहीं रखनी चाहिए वो रख के एक बार देख, रख के देखो, फिर जानते हो क्या होगा, आपका हाथ भी नहीं होगा वहां पे, किसी काम में आप इन्वॉल्व नहीं हुए होंगे तब भी आपका नाम अपने आप आ जाएगा कि हमारे घर में यही भाई साहब ने चोरी करी है, बदनामी मिल जाएगी इमीडिएट, चेक कर लो और कुछ नहीं करो। कोई डायरेक्शन चेक करना चाहते हो हम बता रहे हैं आपको, हमने आपको एंटीडोट भी दे दिया, डोट भी दे दिया, आप कुछ ना करो, थोड़ा खेलो वास्तु से। जब मैंने वास्तु करना सीखा था मैं खेला था 6 महीने। अच्छा ये दिशा, जब वास्तु लोग करते ना पहले अपने घर अपने सर पे उठाते हैं सबसे पहले, थोड़ा खेलो तब देखो कितनी तेजी से वर्क करती चीजें निकली। बेवजह बदनामी कराता है साउथ वेस्ट, पुलिस कोर्ट कचहरी इन सब चीजों में ले जाने का काम साउथ वेस्ट का है। कोई कह रहा मेरे घर में बच्चे बहुत नशीले पदार्थों का सेवन करने लग गए हैं, कोई घर छोड़ के भाग गया है, घर वापसी कब होगी, कुछ लोग अनएथिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, कौन धर्म परिवर्तन करेगा जिसका साउथ वेस्ट प्रॉब्लम में होगा, घर वापसी कौन करेगा। घर वापसी की टैगलाइन सुनी होगी ना, साउथ वेस्ट, नशा किसके पास है, राहु के पास ही तो है। कोई बहुत ड्रिंक कर रहा है इसका मतलब क्या है, ड्रिंक की रेमेडी बताऊं, साउथ वेस्ट सही कर लो, नशा आपका नियंत्रित हो जाएगा। साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम आएगी नशीले पदार्थों का सेवन करने लग जाए, कलेश शेयर मार्केट। कुछ लोग कहते हैं भाई मेरी, मैं राजनीति पॉलिटिक्स में करियर है कि नहीं, पॉलिटिक्स में मेरे को तरक्की नहीं मिल रही, पॉलिटिक्स में मेरे को उन्नति नहीं मिल रही। प्रॉब्लमेटिक जोन कौन सा है, साउथ वेस्ट। पॉलिटिक्स में ले जाने का काम राहु का ही है, राहु से बड़ा पॉलिटिशियन कोई नहीं है। तो जिनको पॉलिटिक्स में अपना करियर अच्छा रखना है वो साउथ वेस्ट पर ध्यान दें, और आप चाहते हो कोई पॉलिटिक्स हमारे साथ ना करे, हमारे लोग क्या कहते हैं भाई मेरे साथ जहां मैं जॉब कर रहा हूँ मेरे खिलाफ पॉलिटिक्स हो जाती है, इसका मतलब क्या है, पॉलिटिक्स अगर तुम्हारे खिलाफ हो रही है इसका मतलब तुम्हारे घर का साउथ वेस्ट जो जोन है वो प्रॉब्लम में है, इसलिए पॉलिटिक्स हो रही है तुम्हारे साथ। वो सही कर लिया प्लॉट, पॉलिटिक्स भी कम हो जाएगी, कोई नहीं करेगा। क्लियर हो रही है बात, आगे लिखिए। आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन से कनेक्टेड प्रोफेशंस लिख लो थोड़े बहुत, क्या क्या है, साइंटिस्ट इनको सही रखना है अपना साउथ वेस्ट, डॉक्टर, कोई डॉक्टर देखो जो बहुत चीट करता है लोगों को, एक बीमारी की कई बीमारी बता देता है, उसका घर का साउथ वेस्ट देख लेना पता चल जाएगा। मल्टीमीडिया, फोटोग्राफी, शेयर मार्केट, इन सबको जितने प्रोफेशंस बताए और भी आगे बताएंगे आपको, इनको अपना साउथ वेस्ट सही करके रखना। और अगर साउथ वेस्ट सही नहीं किया और अपने करियर के प्रति लॉयल नहीं है, साउथ वेस्ट में भी प्रॉब्लम आ गई, लॉयल्टी भी कम है, तो जानते हो क्या होगा, लिखो और चेक करो इन प्रोफेशंस वालों के साथ, आपके क्लोज में देखो, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं, आसपास देख लो, इस प्रोफेशन में कोई हो और अपने प्रोफेशन के साथ खिलवाड़ करता हो, देखो उसके साथ साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, लिखो। रास्ते में दुर्घटना होगी, दुर्घटना से डेथ भी हो सकती है, एक्सीडेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है, सीवियर एक्सीडेंट्स हो सकते, आपका हाथ भी नहीं होगा, बिना वजह प्रॉब्लम, बिना वजह झूठा आरोप लगता है ऐसे लोगों को, गवर्नमेंट की तरफ से लीगल नोटिस आने लगी, लाइलाज बीमारी हो जाएगी,
जिसको कोई मेडिकल साइंस कवर नहीं करती। पैरालिसिस, कैंसर, एड्स, और कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो घर में बहुत गाली गलौज करते हैं। सुना है ऐसा कुछ? कुछ ऐसा घर खानदान आपके नॉलेज में भी होगा, नोन में होगा, हो सकता है क्लोज रिलेटिव्स में हो, कि उनके घर में बहुत गाली गलौज होती है। खुद को परेशानी में रखना और दूसरों को परेशान करना, ये सारा डिपार्टमेंट साउथ वेस्ट का है। साउथ वेस्ट समझ आ रही कुछ बात? इस कोर्स से कलेजे में ठंडक बहुत मिलेगी, आप अपना ही भला तो कर ही लोगे। तो प्रॉब्लम, कभी कभी प्रॉब्लम का कॉज हम नहीं होते, प्रॉब्लम का कॉज हमारे घर का वास्तु होता है मैक्सिमम केसेस। और ये साइंस सबके लिए बनी थी, ऐसा थोड़ी है कि केवल अभिराम सीखेगा या कोई सीखेगा। भाई ये सब तो इन जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं, इतना तो आपको ध्यान देना ही चाहिए कहाँ पे क्या है, और कम से कम फिक्सेशन वाली चीजों पर तो ध्यान देना चाहिए। आजकल लोग फ्लैट्स खरीदते हैं, मैं पता नहीं कितनी, अब फ्लैट में तो कोई चेंज हो ही नहीं सकता। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कोई फ्लैट ऑनर जो फ्लैट को बिल्ड कर रहा है, इतना पैसा क्लाइंट से लेता है, 10-20-50 हज़ार रुपए, और एक अच्छा वास्तु कंसल्टेंट हायर करके अगर थोड़ा सा काम करे, तो पता नहीं कितने लोगों का भला हो सके। टॉयलेट गलत डायरेक्शन में है कहीं, है कुछ लोगों का तो यूटिलाइज। अच्छा एक चीज होता है, ये फिक्स डायरेक्शंस हैं। अभी जब आप कुंडली देखोगे तो उसमें चीजें स्विंग भी होती हैं, चेंज भी होती है, तो तब आपको एक सेकेंडरी एंगल और दिखेगा। मैं एक बात बोल रहा हूँ, यहां से जो वास्तु के जो अपने फंडामेंटल्स हैं वो भी आप पढ़ोगे, ठीक है? स्ट्रांग और मतलब स्ट्रांग एंड बेसिक फंडामेंटल्स भी आप पढ़ोगे वास्तु। और फिर ये देखो कुंडली के साथ कैसे रिलेशंस बिल्ड करते। कभी कभी लगता है यार यहाँ टॉयलेट नहीं होनी चाहिए, ये तो इसका नाश कर देगी, लेकिन कुंडली में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस बने कि वहां की टॉयलेट उसको अच्छे रिजल्ट दे देगी। तो उसमें क्या होता है, जब आप किसी घर का वास्तु करने जाते हो, आप एक तरफ चिल्ला रहे होते हो यार ये दिशा में नहीं होना चाहिए, ये करेगा ये करेगा ये करेगा, और जब आपने उसकी कुंडली को रीड किया तो पता चल रहा है यूटिलाइज करके बैठा। तो कुंडली क्या करती है, एक और आपको एक अपना भी एक रिव्यू निकाल के लेके आके देती है सामने। किसी भी चीज को एकदम से बोल देना और एक किसी का रिव्यू लेके बोलना, तो दोनों में बहुत मेजर डिफरेंस आ जाता है। होता है कि नहीं होता है, कि हमेशा किसी भी चीज को एक एंगल से वेरीफाई नहीं करना चाहिए, हमेशा दो या तीन एंगल्स आपके पास ऐसे होने चाहिए कि ये जो डायरेक्शन है ये सच में इसके लिए प्रॉब्लमेटिक है कि नहीं है। तो कुंडली क्या करती है, एक बार और उसको वेरीफाई करती है, एस्ट्रोलॉजी उसको एक बार और वेरीफाई करती है। क्लियर हो रही है बात? तो इस तरह से आपने चीजों को देखना है। और वेस्ट डायरेक्शन और लिख लो, लास्ट है ये, बाकी की चीजें, बाकी की बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। खत्म कर दें क्या सारी डायरेक्शंस आज? चलो लिखो, फास्ट लिखोगे थोड़ा, बहुत डिटेल में ना जाए चलेगा ना। तो अभी कौन सा लिखवा रहे हैं हम आपको, वेस्ट? चलो लिखो, निर्माण कार्य, ठीक है, न्यायप्रिय, आत्मचिंतक, शांति प्रिय, वेस्ट डायरेक्शन जिसका अच्छा होगा, झूठ से नफरत होती है उसको। वेस्ट डायरेक्शन बुजुर्गों का है, जिनका वेस्ट डायरेक्शन बहुत अपलिफ्टेड होता है, अच्छा होता है, बुजुर्ग बहुत घर में होते हैं, नौकरी में परेशानी आती है तो वेस्ट डायरेक्शन की वजह से। जिनका जिनको जिनको नेटवर्क मार्केटिंग में रहना है, उनको अपना बेस्ट डायरेक्शन अच्छा करना चाहिए। बुरी संगत में पड़ना, एक होता है संगत खराब होना, ये अलग विषय हो गया, बुरी संगत में फंसना ये वेस्ट डायरेक्शन डिसाइड। कुछ लोग ऐसे आपको मिलेंगे कि चलते चलते उनके पैर लड़खड़ाने लगते हैं, देखा है कुछ?
दो कंडीशन में पैर लड़खड़ाते हैं, एक जब वो नशा किया हो, एक जब बिना नशा किया हो। तो जिसके पैर लड़खड़ा जाते हैं चलते चलते बहुत ज्यादा, आप चेक करो चाहे वो, और बेसिकली आप देखोगे ओल्डर एज, जो ओल्ड एज लोग हैं उनका ऐसा होता ही है, लेकिन कुछ आप सामान्य लोगों में भी देखोगे एज नहीं है तब भी पैर लड़खड़ा जाता है, वेस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम होती है। दुर्घटना यहां से भी देखी जाएगी, एक्सीडेंट्स। सर्वेंट से परेशान रहना, फोर्थ क्लास जो सर्वेंट्स होते हैं, दाई नहीं मिल रही है, काम करने वाली नहीं मिल रही है, मजदूर नहीं मिल रहे हैं, फोर्थ क्लास वाले लोग नहीं मिल रहे हैं, सफाई करने वाला कोई नहीं मिल रहा है, लेबर नहीं मिल रही है, मतलब प्रॉब्लम कहाँ है, वेस्ट डायरेक्शन। घर में कोई ना कोई अकारण बीमारी बनी रहती है, रोग घर से नहीं जा रहा, प्रॉब्लम कहाँ, वेस्ट डायरेक्शन। घर के लोगों का व्यवहार सही नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ है, वेस्ट डायरेक्शन। कुछ लोग ऐसे आपको मिलेंगे वो हमेशा घायल मिलेंगे। कैसे घायल मिलेंगे, या तो दिल के घायल मिल सकते हैं या शरीर के घायल मिल सकते हैं, चोटें बहुत लगेंगी। अगर किसी को चोटें बहुत लग रही हैं, इसका मतलब वेस्ट डायरेक्शन चांटे मार रहा है उसको। आज पैर टूटा था, आज क्या हो गया, आज हाथ टूट गया, कल क्या टूटा, कल कंधे में मोच आ गई, तो कुछ ना कुछ ये अगर लगा है, मतलब वेस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा, कई शक्ति बता दी, एक बार हमने बताई चखने की शक्ति, एक बार बताई सूंघने की शक्ति, वेस्ट में क्या आएगा, सुनने की शक्ति। डीप समझ आ गई ना, क्लियर, ऑल क्लियर। आगे शांति, जिसको पीस बोलते हैं, वो वेस्ट डायरेक्शन देते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे चीजें बहुत लिमिटेड होंगी, किसलिए, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे चीजें अनलिमिटेड होंगी, लिमिटेड और अनलिमिटेड दोनों साउथ का, ये वेस्ट का डिपार्टमेंट। कुछ लोगों को अपनी लिमिटेशंस पता नहीं होती, कुछ ऐसे लोग आपको दिखेंगे, कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, लिमिटेशंस पता नहीं, मतलब वेस्ट डायरेक्शन प्रॉब्लम। सेल्फ इमेज वेस्ट डायरेक्शन, डिजायर, आपकी जो हैसियत है, आदमी की हैसियत नहीं पता होती। कुछ लोगों को पता चला अच्छा खासा जा रहे थे रोड में, किसी डीएम से भिड़ गए, किसी से भिड़ गए, मतलब उनको ट्रीट करना नहीं आता कौन क्या है, तो आदमी की हैसियत पता करवाता है बेस्ट डायरेक्शन। महत्वाकांक्षा वेस्ट, आज मेरी क्लास लेने की आपकी इच्छा नहीं थी, सच बताएं, मेरा सर थोड़ा दर्द कर रहा था, इसीलिए हम 20 मिनट और लेट कर दिए आज, दवा वा खा के बैठे थे, इनके तुमने कहा साल की आखिरी क्लास है तो देख रहो, एक अंदर स्वेटर है मेरे ऊपर, एक जैकेट पहन के आपको पढ़ा रहे हैं, मुझे लगता है शायद सर्वर में ठंडी लग गई है, कुछ ऐसा है। इस समय एक गाड़ी बहुत चला रहे हैं बुलेट, हमें इस समय शौक चढ़ा है, पता नहीं क्यों उस वजह से कार में चलते चलते अब चलाने लगे उसको, तो उसी में थोड़ी दिक्कत हो रही है, हमने कहा मनाली अब इसको बनाना मनाली मनाली में लोग जाते हैं ना बुलेट से, तो मेरे से कोई कह रहा था सर चल रहा है कभी बुलेट से भागोगे, अपने कहा ठंडी चल रही खूब पड़ी, हाँ अब यही मनाली बनाते आज से बंद है, आज से मैं गाड़ी से ही चलेंगे 15-20 दिन, क्योंकि हमें ठंड लग गई, फिर आप लोग हमें और भी जगह ठंड लगने लगी, फिर बैंक अकाउंट में ठंडी आ जाएगी। सेल्फ इमेज, डिजायर, महत्वाकांक्षा, अगर किसी की वेस्ट डायरेक्शन अच्छी है लिख लो, कर्जा नहीं रहेगा, और किसी के ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, वेस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम है। अच्छा और लिख लो, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि सर
जिंदगी बीत गई किराए के मकान में रहते रहते, अपना मकान कब होगा? किराए के मकान का कलेश कब छूटेगा? कौन सी दिशा? पश्चिम। एक्चुअली मैं बता तो दूं तेज तेज, लेकिन मुझे लगता है कि इतना आपके दिमाग में भी चीजें बैठनी चाहिए, है ना? फास्ट एंड फ्यूरियस हो गया तो हम क्लियर नहीं कर पाएंगे, मतलब आप कर पा रहे हो करो, लिखो। अगर वेस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम होगी, अपना घर नहीं बनेगा, कर्जे में बने रहोगे और कोई भी काम करोगे उसमें परेशानी है। वेस्ट डायरेक्शन प्रॉब्लम में ऊंचे सपने देखोगे, पहुंच नहीं पाओगे। कुछ लोग ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं, रोज एक बड़ा सपना देखते हैं, मतलब बालू का घर रोज बना रहे हैं, रोज वो गिर जा रहा फिर बना रहे हैं। तो अगर बेस्ट सही नहीं है ना, तो लाइफ में कुछ बेस्ट नहीं होगा। शनि का डिपार्टमेंट है भाई, शनि का डिपार्टमेंट। आगे लिखिए। पॉजिटिव होगा, बहुत जमीन जायदाद होगी। अच्छा, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे बोलते हैं हम अपने वसूल के बहुत पक्के हैं, कह दिया तो कह दिया, करना है। वेस्ट डायरेक्शन, एक लड़का लड़की मेरे पास है कुंडली दिखाने के लिए, तो हमने कहा भाई क्या हो गया बड़े, और लड़की आती रोने लगी, तो हमने कहा ऐसा क्या हो गया? बोले सर हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, शादी भी करना चाहते हैं, कुंडली भी मिल रही है, आपका वीडियो भी देखा है हमने, वीडियो देख के आए हैं, तो हमने कहा तो अच्छी बात है, कर लो शादी। बोले पापा नहीं मान रहे। हमने कहा अच्छा पापा क्यों नहीं मान रहे? बोले सर वो अपने वसूल के बहुत पक्के हैं, वो उनको मतलब ये कि हम इस कास्ट में शादी कर ही नहीं सकते। तो हमने कहा लड़का सही है कर लो, नहीं होता, एटीट्यूड ही नहीं मानता। वेस्ट डायरेक्शन, आपने देखा होगा जो पुराने लोग हैं, पिक्चरें देखो पुरानी, ठाकुराई जिसमें दिखेगी पूरी प्रॉपर, ठाकुर फलाने ठाकुर, तो उसमें क्या था देखा है आप पिक्चरों में क्या था? लड़की को मार डालेंगे, प्रेम सफल नहीं होने देंगे, क्या वसूल के पक्के हैं? इस जगह हमारी बेटी नहीं जा सकती तो नहीं जा सकती, दोनों को मार डालेंगे। पेपर में देखो आए दिन न्यूज आता है, इतना भी बलि मत करो कोई भाव कि तुम्हारी बलि चढ़, किसी की बलि चढ़ जाए। वेस्ट डायरेक्शन है ये सब, सब जो मान्यताएं आपकी रूढ़ी मान्यताएं, कुछ रूढ़ी मान्यताएं भी होती हैं, कुछ आपकी अपनी मान्यताएं होती हैं, तो शनि के पास ही तो ये सब जो आपकी मान्यताएं बन गई हैं, मान्यताएं जो आपकी बन गई हैं, चाहे वो रूढ़ी हो चाहे वो पीढ़ी वाली हो कोई भी हो, कि अभी उनको कुछ लोग बलि प्रथा को बहुत मानते हैं, उनको बोलो भाई ये सब चीजें गलत है, वो क्या कहते हैं अरे गुरु जी आप हमें मत बताओ, हमारे यहाँ ये सब चलता है, हमारे यहाँ आदि से हो रहा है, आज से नहीं हो रहा, आज ही से नहीं हो रहा है, आदि से हो रहा है, हम तो एक दे रहे हैं, हमारे बाबा तो 15 बकरे एक साथ बलि देते थे। ऐसे भी लोग मिले, कौन है ऐसे लोग? वेस्ट डायरेक्शन। और ऐसे लोगों के पास आप देखोगे जमीन जायदाद भी खूब होगी, घर मकान खूब होगा। पहले जो रजवाड़े लोग होते थे, पिक्चरें देखो जिसमें एकदम बहुत बड़ा घराना है ना, और लड़का जो है वो कहीं का मिस्त्री है, पंचर बना रहा है, लड़की से प्यार हो गया, घर का नौकर है, तो उसको दफन करने का घर वाले प्लान बना रहे हैं, पहले ऐसी पिक्चरें चलती थी ना, देखो क्या है। वेस्ट डायरेक्शन, अगर किसी का वेस्ट डायरेक्शन प्रॉब्लम में होगा, आपका स्तर नहीं बदल सकता, आप जिस स्तर में हैं वही स्तर में रहेंगे, स्तर बदलने के लिए स्तर आपको अपने जीवन का बदलने के लिए पश्चिम दिशा को सही करना, और अभी आपको बहुत आगे मजबूत बात बनाएंगे। पश्चिम दिशा से शिक्षा देखी जाती है, पश्चिम दिशा से प्रॉफिटेबिलिटी देखी जाती है, आगे बताएंगे, अभी का विषय नहीं, मैं केवल कनेक्ट कर रहा, जिसको अपना स्तर बदलना है
उसको विद्या को ही अडॉप्ट करना पड़ेगा। जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ उन चीजों को जब मैं कीवर्ड्स में आपको बताऊंगा ना, तब आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि हमारी लाइफ किन पैरामीटर्स पर चेंज हुई। समझ रहे हैं आप? जो बहुत शिक्षित लोग हैं उनके जीवन का स्तर बदल जाता है कि नहीं बदल जाता? स्तर बदल, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो रोज ख्याली पुलाव बना रहे हैं, कुछ व्यक्ति ऐसा मिल रहा है जो केवल पढ़ रहा है। तो जो केवल रोज प्लानिंग कर रहा है वो आगे बढ़ेगा कि जो जो सीख रहा है रोज पढ़ रहा है वो आगे बढ़ेगा? तो ये डायरेक्शन इन चीजों को भी रिप्रेजेंटेट करती है। अभी आप केवल दिशा के बारे में पढ़ रहे हो, फिर कौन से दिशा में क्या होना चाहिए वो भी पढ़ोगे, पीडीएफ भी हम आपको देंगे, आर्टिकल वाइज पीडीएफ भी देंगे, सब मिलेगा। भंडारा है बाबा का, बाबा विश्वनाथ का भंडारा राम मंदिर के उपलक्ष्य में 22 जनवरी, सब मिल जाएगा आपको। ठीक है, परेशान ना हो, बस अपने तक ही रखना। भंडारे का प्रसाद आपके लिए, हम लोग कुछ जो अच्छे पंडित है, बड़े पंडित है, कुछ पूजाएं होती हैं जब, तो उसमें क्या कहते हैं, कभी जाओ तो ऐसा होता है ये पंडित जी ने हमें प्रसाद दिया, ये हमारे लिए है, ये दूसरे के लिए नहीं है। होता है कि नहीं होता है? आपको जो प्रसाद मिल गया वो आप शेयर नहीं कर सकते किसी को। जब आपकी कुल देवी के पूजन होता है, ध्यान रखना, कुल देवी का जब पूजन होगा, कुल देवी के पूजन में जो प्रसाद आपको मिलेगा वो आपके परिवार के व्यक्ति ही खाएंगे, उसका डिवाइडेशन नहीं हो सकता। सुना है ये बात आपने? उसका डिवाइडेशन नहीं हो सकता, वो आपको ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? आप पात्र हो उसके। और जो पात्र नहीं है उसको उठा के दे दिया, पैसा तुमने खर्चा किया है, तो 5,000 का फंड तुम्हें दे दे रहा, तुम उसको उठा, तो आपका गया यहां से सब। आपको जो चीज मिली आपने उठा के किसी और को दे दी। तो हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, जो कर रहे हैं करते रहे हैं, वो हमारे साथ नहीं, शौक से और करके आए हैं। आप अपना बचाव करो बस। एक आपने सुना होगा कि आजकल लोग क्या करते हैं, आजकल क्या होता है, एंटीवायरस डाल देते हैं, तो आपकी जितनी प्रवेसी है सब हैक हो जाती है, हो जाती है, ये सब एंटीवायरस घूम रहे हैं अगल बगल आपके। और वो होता है जब थोड़ी पॉपुलैरिटी आपकी बढ़ती है, जब आप थोड़ा कुछ अलग कर रहे होते हो, तो वो मानसिकताएं, कुछ कॉम्पिटिटर्स भी ये सब कभी कभी करवाते हैं, जो आपका कॉम्पिटिटर है ना वो भी ये सब करवाते हैं। तो उसकी चिंता अपने को नहीं करनी, आप बस अच्छे से करो, आगे लिखो। ठीक है, जमीन जायदाद ये सब, वैसे कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि उनका अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया, अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए दूसरों की बर्बादी के लिए कितने भी बड़े कदम उठा सकते हैं केवल सेल्फ सेटिस्फेक्शन के, और बड़ी बड़ी प्लानिंग कर सकते हैं। ये कौन है जिनका वेस्ट खराब? व्यक्ति किसी का बुरा करने के लिए किसी भी हद तक अगर जा रहा है, इसका मतलब पश्चिम दिशा में प्रॉब्लम है। ठीक है, दूसरों को बर्बाद करने की प्लानिंग यहीं से आएगी। आगे लिखिए, अगर वेस्ट डायरेक्शन अच्छी है तो आपकी सोच बहुत अच्छी है, पश्चिम दिशा सब कुछ देता है। जिनका वेस्ट डायरेक्शन देख लो, कुछ लोग ऐसे आपको मिलेंगे बोलेंगे सर हम तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, हमारे पिताजी हमें नहीं करने देते, हमारे पिताजी हमें रोकते हैं, वो मना कर रहे हैं ये काम नहीं करना। तो पिता किसका रोकेगा? जिसकी पश्चिम दिशा में प्रॉब्लम। अगर पश्चिम दिशा, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरों को सही करने का प्रयास करते हैं, कभी दूसरों को सही कर ही नहीं जा सकते, खुद को सही करो। खुद को सही कर लिया, वास्तु सही कर लिया, दूसरे में परिवर्तन, जब वास्तु में परिवर्तन आया तो दूसरे में भी परिवर्तन आने लगेगा। समझ रहे हैं? लव अफेयर्स कम होंगे ज्यादा होंगे, वेस्ट डायरेक्शन डिसाइड करें। वेस्ट डायरेक्शन में भी अगर प्रॉब्लम होती है तो भी शादी में डिले होता है।
जिनकी वेस्ट डायरेक्शन प्रॉब्लमेटिक होगी उनके साथ डिले क्या हो रहा होगा शादी में, वो क्या कहेंगे? आंसर कोई करेगा? हम आंसर करते हैं शनि का डिपार्टमेंट क्या, करियर। आड़े क्या आएगा? करियर। शादी क्यों नहीं हो रही है? पहले पैर पे खड़े तो हो जाएं पंडित जी, पहले कमाने तो लगे, पत्नी को क्या खिलाएंगे? करियर आने जाता है, इसलिए डिले होता है। हर जगह डिले का कॉज दूसरा है, हर जगह मैरिड लाइफ में कॉज दूसरा है। साउथ ईस्ट में अभी एक एक पत्नी ने आरोप लगाया पति के ऊपर, कहने को तो थोड़ी रफ बात लग रही है, टफ भी लग रही है, लेकिन ऐसा आरोप पेपर में आया। क्या आया? कि मेरे 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 को सेक्सुअली हरासमेंट करते हैं, या नपुंसकता है। क्यों मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आया, डिवोर्स क्यों हुआ? साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है, क्यों है बताया अभी आपको। तो विवाह में देरी क्यों हो रही है, ये कॉज पता करके डायरेक्शन पता करोगे आप, ये नहीं कि क्यों हुआ। मतलब तीन जगह, दो तीन जगह भी पीछे बताया आप कि भाई यहां भी मैरिड डिले, यहां भी मैरिड डिले। यहां पे मैरिड डिले का कॉज क्या है? करियर अभी उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे हमें चाहिए, ठीक है, इसलिए डिले हो रही है। क्लियर? आगे बढ़िए। इसमें भी सुनने की शक्ति में कमी दिखेगी। आगे की क्लास में बाकी की चीजें बताएंगे। दो डायरेक्शंस बची होंगी, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ, ठीक है। थोड़ा हड़बड़ी नहीं कर रहे हैं, शुरू की क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आगे तो हम कभी भी आपको बहुत आगे ले जा सकते, ठीक है। दो चार क्लास हमारे हिसाब से चलने दो, बाकी आपके हिसाब से चलिए, ठीक है। चलिए, आप लोगों की शायद